नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट लाइफ में। हाँ तो बेटा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अच्छा एक बार जूम रोक के वो क्वेश्चन बता दो मेरे को, मतलब रिफ्रेश रोक के जूम कर दो। हाँ भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। प्रियंक का क्या समस्या आ गई है जीवन में, पहले समस्या देख रहे थे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा हाँ, ये कल भी प्रियंक ने बोला था ए बी और सी में क्या होगा, बी और सी में विभिन्न आवृत्तियां होंगी। हाँ अच्छा प्रियंक बेटा, सी वाला ऑप्शन में बोला हुआ है कि बी तथा सी विभिन्न आवृत्तियों को प्रदर्शित करता है इसमें, है ना। हाँ लेकिन यहां पर बोला है तथा विभिन्न आवृत्तियों के आपतित विकरणों को प्रदर्शित करता है। हाँ ये बात सही है, लेकिन ये विभिन्न आवृत्तियों को बी और सी में, बेटा बी और सी में देख, एक्चुअल में वह बी और सी में विभिन्न आवृत्तियों तथा विभिन्न आवृत्तियों के आपतित विकरणों को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर अगर मैं बी और सी में देखूं तो बी और सी में विभव समान है, मतलब कि वहां पे हर एक फोटोन जो आ रहा है उसकी आवृत्ति अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पर और विभिन्न आवृत्तियां, मतलब आवृत्तियां इनका जो अधिकतम आवृत्ति है वह आवृत्ति समान तथा विभिन्न आवृत्तियों के आपतित विकरणों को, है ना, मतलब यहां पर जो आपतित विकर्ण है इनकी आवृत्ति समान है, आवृत्ति समान है। देख अगर सवाल में केवल वो आवृत्ति बोलता है हमें, मतलब कि वो आवृत्ति में पूरा लेना चाहता है, फोटोन की संख्या या एनर्जी, हर एक की एनर्जी। तो अगर मैं देखूं तो हर एक एनर्जी बी और सी में, हर एक की एनर्जी जो है वो अलग अलग है, है ना, बी और सी में हर एक की एनर्जी अलग अलग है, लेकिन जो टोटल मतलब कि एनर्जी इंटू फोटोन की संख्या जो है, या अगर मैं केवल फोटोन की संख्या की बात करूं तो दोनों में फोटोन की संख्या बराबर है। अब ये हमें पता है, सवाल में वो सी ऑप्शन वो कहना चाह रहा है कि बी तथा सी की विभिन्न आवृत्तियां है, हाँ उन लोगों की, उनकी आवृत्ति अलग अलग है, हर एक फोटोन की आवृत्ति अलग अलग है। तथा वहां पर बोला है कि यहां पर जो टोटल आवृत्ति है, मतलब कि यहां पर तीव्रता है, सॉरी जो तीव्रता है, तो तीव्रता में दो चीजें हैं, एक नंबर है और एक फ्रीक्वेंसी है। तो बोल रहा है कि वहां पर समान ये विभिन्न तीव्रताएं की आवृत्ति आपतित है। तो ये अगर तीव्रता की बात कर रहा है यहां पर, तो इसमें जो ऊपर वाले ऑप्शन में भी हमने पढ़ा बेटा, तो यहां पर ये तीव्रता मतलब नंबर कहना चाह रहा है, है ना, जो ऊपर वाले ऑप्शन भी पढ़े हमने और इसमें भी जो पूरा ओवरऑल चारों ऑप्शन में कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि तीव्रता मतलब नंबर और आवृत्ति मतलब ऊर्जा, ठीक है, इसलिए हमने वो सी वाले को गलत कर दिया था, ठीक है। चलो एक बार रिफ्रेश कर देना ऊपर जाके। हाँ भैया, तो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को। हाँ क्या हाल चाल। तो अब आज से हम परमाणु पढ़ना शुरू करेंगे, है ना, यहां पर परमाणु पढ़ना शुरू करते हैं हम, है ना। हाँ और भी जो डाउट है बेटा वो बचे हुए डाउट्स में छुट्टी के बाद, मतलब छुट्टी के पहले ले लूंगा क्लास में, है ना। एक्चुअल में ये प्रियंक ने क्लास शुरू होने से पहले ही सवाल भेज दिया था, है ना, तो इसलिए वो तुम लोग आए नहीं, मैं तुम्हें दिखाया नहीं, लेकिन बीच में सवाल जरूर आ गया था, तो इसलिए वो सवाल मैंने बता दिया। चलिए तो हम क्लास शुरू करते हैं, परमाणु पढ़ना शुरू करना है हमें आज, लेक्चर नंबर 1। परमाणु क्या होता है, काफी आसान चैप्टर होता है, इसमें जो भी बातें होती है ना, जो भी बातें होती है, जिस प्रकार की बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं केमिस्ट्री में, वैसी ही कुछ बातें यहां पर होगी, ठीक है। तो गुड इवनिंग सभी को, परमाणु हम शुरू करते हैं। परमाणु में आज हम पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल क्या था, बोहर मॉडल क्या था और थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, है ना। इसके इसमें जो सारी बातें या इसके जो नोट्स है वो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बोला था कि एक बार रीड कर लेना, ये सब कुछ थ्योरेटिकल है, ना, सब कुछ थ्योरेटिकल है, तो ये सब कुछ थ्योरेटिकल है, तो आज भी पूरा थ्योरेटिकल ही होगा और इस पे जो बोहर पर आधारित फॉर्मूले वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम
इसको शुरुआत करते हैं और ये मॉडर्न का बेटा मैंने आपको बता दिया था, मैंने मॉडर्न को आपको बता दिया था कि यहां पर मॉडर्न में जो पूरा पूरा मॉडर्न फिजिक्स आएगा, है ना, पूरा मॉडर्न फिजिक्स आएगा, तो उसमें क्या होगा, उस पूरे मॉडर्न फिजिक्स में कम से कम नीट में 5 से 6 सवाल आएंगे, मतलब हम हर 2 क्लास में से 1 सवाल मान सकते हो आप, है ना, 12 क्लास लगेगी, 12 से 13 क्लास लगेगी, है ना, तो हर 2 से 3 क्लास के अंदर अंदर 1 सवाल पूछा जाएगा। जैसे हमने जो पढ़ लिया, जो पढ़ा उसमें से 1 सवाल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, अब जो हम पढ़ने वाले उसमें से भी 1 सवाल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और इसके बाद में हम आने वाली क्लासेस में जब रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर की बात करेंगे उसमें से भी 1 से 2 सवाल आने की पॉसिबिलिटी है ही है। क्लियर है ना। चलिए तो हम बिना समय खराब किए शुरुआत करते हैं थॉमसन मॉडल की। थॉमसन भाई साहब ने क्या बोला था, थॉमसन भाई साहब ने बोला कि देखो एक्चुअल में है ना कोई भी, ये वैसे भी थॉमसन भाई साहब ने क्या बोला था, थॉमसन भाई साहब ने एक बात बताई कि देखो थॉमसन भाई साहब जो थे उनसे पहले ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की बात बोली जा चुकी थी, तो उन्होंने उनके दिमाग में जब वो परमाणु मॉडल दे रहे थे तो उनके दिमाग में बस एक ही चीज थी कि इलेक्ट्रॉन नामक कोई चीज होती है इस दुनिया में, ठीक है। तो अब यहां पर क्योंकि जे जे थॉमसन है ना, थॉमसन में 2 थॉमसन थे, ये जो थे ये जे जे थॉमसन थे, और उसके पहले भी जो थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी थी, तो अब ये पूरा खानदान मिलकर इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलता रहा, तो ये पूरे एक खानदान में एक भाई था जिसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, फिर उसके बाद में दूसरे भाई ने क्या बताया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक परमाणु मॉडल दिया, उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वह एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो आप कि यह एक तरबूज जैसा है, किसके जैसा है, तरबूज जैसा, वाटरमेलन जैसा है, कि वहां पर पूरे वाटर, अगर तरबूज को देखे तो तरबूज में क्या होता है सर, बीज 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 में काले काले काली उसकी सीड्स होती है ना, उसके बीज होते हैं, तो और बचा हुआ पूरा क्या होता है, लाल हिस्सा होता है, तो उन्होंने बोला कि ये जो लाल हिस्सा है ना, ये जो लाल हिस्सा है पूरा वो क्या है, वो पॉजिटिव है, और बीच में छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, बीच में जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है वह रखे हुए हैं, तो इस हिसाब से उन्होंने बोला कि देखो ये जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो टोटल हो गया वो तो टोटल तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर शून्य बना देंगे, तो ये उदासीन हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वह वक नहीं चल रहे, वो बस यहाँ पर रखे हुए हैं, इसके अंदर बीच में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं पता, तो जे जे थॉमसन ने क्या बताया था, उन्होंने बोला था कि परमाणु एक ठोस गोला है जिसमें संपूर्ण द्रव्यमान एवं धन आवेश एक समान रूप से वितरित है, पूरी जगह धनावेश वितरित है, और बीच बीच में ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच बीच में फंसे हुए हैं। फिर उन्होंने बोला कि इस मॉडल के आधार पर है ना, यहां पर बहुत सारी बातें जो थी वो नहीं समझाई जा सकती थी, और बहुत सारी कुछ बातें थी जो समझाई जा सकती थी, तो जैसे इस मॉडल के आधार पर तापनी के उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा आयन को समझाया जा सकता था, है ना, मतलब ये सारे प्रभाव क्या होते हैं, जैसे अगर मैं आयन को कैसे समझाया जा सकता था, हाँ पंपकिन मॉडल भी कह सकते हैं, पल्प पडिंग मॉडल भी कह सकते हैं, पल्प पडिंग मॉडल भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसी बातें समझाई जा सकती थी, है ना, इसमें ऐसा देखो ये सब कुछ केमिस्ट्री जैसा है, बिल्कुल वही, अबे मॉडल थोड़ा ना बदलेगा, तो यहां से आयन मॉडल कैसे समझाया जा सकता था, उन्होंने बोला कि देखो यार एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गायब हो गया, तो पूरा पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव कम हो गए, सॉरी हाँ पॉजिटिव बढ़ गए नेगेटिव कम हो गए, तो ये पूरा पॉजिटिव आयन हो जाएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आके इसके बीच में घुस गया यहां पर कहीं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऋणावेशित हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, हाँ सर ये भी बात समझाई जा सकती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसने बोला कि देखो यार ये तरबूज जैसा है, तो अगर तुमने यहां पे टेम्परेचर बढ़ाया तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर कूद जाएंगे, हाँ सर इलेक्ट्रॉन्स बाहर कूद जाएंगे, तो ये वाली बात भी इसमें समझाई जा सकती थी, क्लियर है। साथ ही साथ यहां पर क्या होगा कि यह अल्फा कण है ना, अल्फा कण प्रकीर्णन का जो प्रयोग था वह इसमें नहीं समझाया जा सका, क्या होगा नहीं समझाया जा सका, यह असफल हो गया, है ना, तो यहां पे स्पेक्ट्रम वगैरह बताने में असफल हो गया, कि यहां से जब हम लाइट स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब लाइट हम इस पे फेंकते हैं तो कुछ लाइट ये एब्जॉर्ब कर लेता है एटम, और उसके बाद में हमें जो बची हुई लाइट है वो एक स्क्रीन पर मिलती है ना, 2 प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक ऑब्जॉर्प्टिव होता है, एक रिफ्लेक्टिव सॉरी इमेसिव स्पेक्ट्रम होता है, जिसके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे, तो वो सारी बातें ये जे जे थॉमसन नहीं समझा पाए, तो ये नहीं समझा पाए तो ऑब्वियस सी बात है इनकी जगह किसी कोई और आया समझाने, इनकी जगह कौन आया, रदरफोर्ड आया, तो रदरफोर्ड भाई साहब ने बहुत जोरदार काम किया,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत बहुत पतली, बहुत पतली फिल्म ली, है ना, और किसकी मतलब बहुत पतली, आप ऐसे मान लो पन्नी जैसी, है ना, पन्नी जैसी, या वैसे मेरे पास तो कार्डबोर्ड है लेकिन मान के चलो बहुत पतली पन्नी है, बहुत पतली पन्नी है। अब वो जो पतली पन्नी है वो सोने की है, किसकी है, सिल्वर की, सॉरी गोल्ड की। अब उन्होंने सोना क्यों लिया, गोल्ड क्यों लिया, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है बेटा, गोल्ड इसलिए लिया गया क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मटेरियल था जिसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा था। ये पता था कि गोल्ड बहुत हैवी है, उसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, गोल्ड को हम बहुत, है ना, जैसे अगर हम सोने के अगर जवाहरात वगैरह देखे या हार वगैरह देखे तो सोना जो होता है बहुत पतली लेयर का, बहुत पतला पतला सोना भी या बहुत पतली लेयर पे भी जमाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर सोने के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने क्या किया, यहां पर एक सोने की चादर ली, बहुत पतली चादर ली, और उसके ऊपर अल्फा कण फेंके। अल्फा कण क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। अल्फा कण क्या होते हैं बेटा, अल्फा कण क्या होते हैं कि अगर हीलियम में से आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बना देगा, अल्फा कण बना देगा। हीलियम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बन जाएगा, अल्फा कण बन जाएगा। क्लियर है कहानी? तो यहां पर ये अल्फा कण बन गए। अब क्या हुआ कि यहां से जब अल्फा कण है या इसमें से गुजरे तो क्या, बहुत पतली चादर सी थी, तो बहुत पतली चादर सी थी तो उसमें जो एटम्स थे ना, अगर मैं चौड़ाई में बात करूं तो एटम जो थे वो बहुत बहुत कम एटम्स थे उसमें। अब क्या होगा, अब यहां पर उन्होंने बोला कि देखो भैया यहां पर हम इस पे फेंकेंगे इलेक्ट्रॉन, क्या सॉरी फेंकेंगे अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा कण जैसे ही फेंके तो यहां पर कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, है ना, कुछ नहीं, मैक्सिमम 99% अल्फा कण जो है वो सीधे निकल गए। फिर उसके बाद बहुत कम अल्फा कण जो थे वो वापस लौटे, मतलब उसी दिशा में जिस दिशा से आ रहे थे उस दिशा में वापस गए, और बहुत कम अल्फा कण थे जो यहां पर कुछ कोण थीटा पर इससे आगे बढ़े। क्लियर है? तो यह सारी कहानी किसने बताई, यह सारी कहानी बताई गई किसके द्वारा बताई गई, यह सारी कहानी रदरफोर्ड द्वारा बताई गई, ठीक है। अब इसी कहानी को हमको डिटेल में पढ़ना है, क्या बोला उन्होंने, है ना, यहां पर रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी सी ली, ठीक है, फिर उसने उन्होंने यहां पर अल्फा कण की बौछार करी, फिर इससे बौछार करके इनके प्रकीर्णन को विश्लेषित किया, है ना, कि यहां से जो अल्फा कण की बौछार कर रहे तो अल्फा कण जो बाहर निकल रहे हैं यहां से वो कैसे निकल रहे, क्या हो रहा है, क्या चक्कर है, तो उसको उन्होंने समझा। तो उसको उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में रखा। सबसे पहली बात क्या होता है, अधिकांश अल्फा कण पन्नी से सीधे गुजर जाते हैं, 99% जो है वह सीधे गुजर गए हैं, 99.99% सीधे गुजर चुके हैं। कुछ अल्फा कण अल्प कोण से विचलित होते हैं, मतलब कि कुछ अल्फा कण है बहुत छोटे कण से विचलित, तो कोण से विचलित होते हैं, ठीक है। तो अब इनसे क्या क्या पता चल रहा था, अगर यहां पर, है ना, ये एक तरीके से यहां पर अगर 99.99% सीधे निकल गए, मतलब कि उनको बीच में कुछ मिला ही नहीं यार। अगर 99.99% अल्फा पार्टिकल जो है वो एकदम सीधे निकल जा रहे हैं तो उनको बीच में कुछ नहीं मिला, है ना, मतलब कि क्या हुआ कि एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस जो है वो खाली है। एटम के अंदर जो मैक्सिमम स्पेस क्या है वो क्या है, खाली है, है ना। खाली मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, खाली मतलब क्या हुआ इसका कि सर वहां पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना। मतलब क्या है कि जैसे अभी हमें जो मॉडल वगैरह आए तो हमें क्या पता चला, आखिरी में अभी जो हमें पता भी है क्या कि न्यूक्लियस होता है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन होते, तो अगर वहां पर मैं देखूं तो वहां पर क्या होगा कि उसमें 99.99% जो एटम है वह खाली है, है ना। मतलब देखो कितनी दिलचस्प सी बात है ना, कितनी गजब की बात है कि हम सब किसके बने हैं, हम सब सर एटम के ही बने हैं, है ना। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर सर हम तो बायो के स्टूडेंट, हम तो सेल से बने। अरे सेल के अंदर भी क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन भी किस क्या है, वह भी सी की कार्बन की चेन है, ठीक है। तो हमारे अंदर जो भी सब कुछ है, या ये पेन जो तुम्हें ठोस दिख रहा है ना, ये 99% खाली है। सोच अगर ये 100% भरा होता तो क्या होता, है ना। मतलब क्या है कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं मौजूद है, और जो हम हैं, हम खुद एटम और मॉलिक्यूल, परमाणु और अणुओं से मिलकर बने हैं, और हर एक परमाणु के अंदर 99% जगह खाली है,
मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर भी 99% जगह क्या है, खाली है। ठीक है, तो यह बात बोली गई। अब सोचो अबे हम अगर हम पूरे भरे हुए होते तो कितने ज्यादा, इतना घनत्व होता और कितना ज्यादा भारी हो जाते, है ना। उसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में जब नाभिक पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर अगर हमारी जो डेंसिटी है वो नाभिक जितनी डेंसिटी हो जाती तो आप अगर अगर इतनी ज्यादा इतना ज्यादा डेंस होते तो 1 ग्राम, है ना, अगर मान के चलो 1 ग्राम भी होता तो आप उसे हिला नहीं पाते, है ना। वो बच्चे थौर वाली, है ना, थौर का हथौड़ा कोई हिला नहीं पाता, है ना। तो वो थौर का हथौड़ा क्यों नहीं हिला पाता, क्योंकि उसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो उसके बारे में, घनत्व के बारे में हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, कुछ कण है जो अल्प विचलित होते हैं और यहां पर 1000 में 1 कण, है ना, 1000 में 1 कण 90 डिग्री से अधिक विचलित होते हैं। 90 डिग्री से अधिक मतलब कि यहां पर गए और पूरा लौट गए, पूरा घूम गए। तो 1000 में 1 कण है, 1000 में 1 कण है जो 90 डिग्री से ज्यादा विचलित हो रहा है, और बहुत ही कम कण टकराकर सीधे वापस लौट जाते हैं, 180 डिग्री के कोण से विचलित होते, जाए टकराए टकरा के वापस आ जाए, ऐसे बहुत बहुत कम कण है। मतलब क्या हुआ इसका कि यहां पर नाभिक के अंदर पॉजिटिव मटेरियल है, क्योंकि वो जा रहा है टकराकर वापस आ रहा है। अगर नाभिक के अंदर सॉरी मतलब अगर हमारा जो एटम है परमाणु के अंदर नाभिक के अंदर अगर कुछ नेगेटिव होता तो वह अल्फा कण टकराकर वापस नहीं आता। अल्फा कण तो पॉजिटिव नेगेटिव, ओह मजा आया, है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव से चिपक जाता अंदर जाके, लेकिन वो टकराकर वापस आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि अंदर भी पॉजिटिव मटेरियल है, और अंदर जो पॉजिटिव मटेरियल है बहुत ज्यादा घनत्व का है या बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि वो अल्फा कण इतनी तेज वेग से गया था, अल्फा कण उसे हिला भी नहीं पाया और वापस लौट कर आ गया। ठीक है, तो अंदर कौन है भैया? नाभिक है। अब यहां पर जो प्रकीर्णित कणों की संख्या होती है, है ना, मतलब कि कितने कोण पर कितने कण घूम रहे हैं, उसका जो सूत्र होता है वह होता है एन, जो होता है कैपिटल एन जो होता है वो समानुपाती होता है 1/sin^4θ/2। sin^4 से θ/2 ये आप सूत्र को कॉपी में लिखो और ये सूत्र याद रखना यार, है ना। इस पे सीधा सवाल आ सकता है हमसे, ये सीधा यही पूछेगा कहां से आया कहां को जाएगा कोई मतलब नहीं, बस यही पूछेगा हमसे कि यहां पर एन जो होगा वो व्यक्त क्रमानुपाती किसके होगा, 4 में से। या हम इसे लिख सकते हैं कि एन जो होगा वो समानुपाती होगा cosec^4θ/2 के। क्लियर है? अरे साइन था उसका उल्टा कर दिया तो कोसेक आ गया। आया समझ में बेटा? तो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बातें जो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा यदि सोने की पन्नी को मोटा कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर, जितना ज्यादा मोटा कर देंगे तो अगर एक कण टकरा कर वापस आ रहा है या कण घूम रहा है अपने पथ से विचलित हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब कि यदि सोने की पन्नी की मोटाईटी है एवं किसी निश्चित दिशा या अर्थात पर कोण में प्रकीर्णित अल्फा कण की संख्या एन है, तो प्रकीर्णित अल्फा कण की संख्या एन है, मतलब कहने का क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मेरे को यहां पर ये निश्चित कोण पर घूम कर आए, यहां पे कुछ कैपिटल एन अल्फा कण मिल रहे हैं, कैपिटल एन अल्फा कण मिल रहे हैं, तो अगर मैंने यहां पर पन्नी को मोटा कर दिया, पन्नी को क्या कर दिया, मोटा कर दिया, तो अगर पन्नी को मोटा कर दिया तो यहां पे और ज्यादा कण आते जाएंगे, और ज्यादा कण वापस आते जाएंगे। मतलब मैं लिख सकता हूं कि यहां पर n/t जो होगा वो नियत होगा, या n जो होगा वो समानुपाती होगा। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है कि यहां पर जितना ज्यादा मोटा कर दूंगा पन्नी को उतने ज्यादा कण मुझे वापस उसी 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 बिंदु पर मिलने लग जाएंगे। पूरी थ्योरी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्वेश्चन वाले पॉइंट्स है उस पर बस हम पहुंच ही गए हैं, है ना। तो यहां पर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें जिस केमिस्ट्री में आपने लिखी होती है ऑलरेडी, है ना, तो फिजिक्स की कॉपी में बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हो। जैसे ये वाला फॉर्मूला फोटो बना लो, फॉर्मूला बना लो, ग्राफ बना दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसमें हमें एक दो और इंपॉर्टेंट से डेरिवेशन वाली जो बात है जो केमिस्ट्री में फिजिक्स में पढ़ना होगी वो देखते हैं। हमें यह पूछता है, यह पूछता है कि यार निकटतम दूरी क्या होगी। जैसे यहां पर यह नाभिक था, है ना, यहां पर नाभिक था,
ये आया अल्फा कण, चुटकू सा अल्फा कण। तो अल्फा कण आया इसकी तरफ वी वी चाल से, है ना, या वी चाल से, या हम इसे वी नॉट भी बोल सकते, अभी तो वी ही बोलते तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जाएगा 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 टिंग 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 यहां तक जाएगा जाएगा जाएगा, और ये मान के चल कुछ आर नॉट दूरी तक गया और वापस आ गया। अबे ऐसा थोड़ी ना होगा जाके, ये ऐसा थोड़ी ना होगा कि यहाँ पे नाभि के अल्फा कण जाएगा जाएगा ऐसे जाकर टकरा कर ढूं ऐसा टकरा और फिर टकरा कर इधर आया। अबे ऐसा नहीं होगा, वो जाएगा 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 और ओ रो भैया जा रहा हूं मैं तो, ऐसा होगा है ना, जाके टकरा कर थोड़ी ना वापस आएगा, है ना, अरे मैं तो यही हूं, मैं चिंता मत कर, मैं कहीं नहीं गया। तो वो टकरा कर वापस थोड़ी ना आएगा, जाएगा रुकेगा और फिर वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा बेटा, यह कैसा है, ये पॉजिटिव आवेशित है, ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव आवेशित है। तो ये जैसे 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 उसके करीब जाएगा करीब जाएगा करीब जाएगा, तो जाएगा जाएगा जाएगा, तो जाने जाने में उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में बदलती जाएगी। किसमें बदलती जाएगी? स्थितिज ऊर्जा में बदलती जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक समय ऐसा आएगा जब गतिज ऊर्जा पूरी स्थितिज ऊर्जा में चली गई है, वहां रुकेगा और रुककर वापस आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब यहां पर हम समझते हैं कि कब रुकेगा, है ना, और कहां पर से वापस आएगा। देखो, तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें आवेश कितना है, तो सर अगर इसका एटॉमिक नंबर जो है वो जेड है, एटॉमिक नंबर जेड है, तो इसमें आवेश जो हो जाएगा वो जेड ई आवेश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जेड ई आवेश हो जाएगा। इसका आवेश क्या होता है? इसका आवेश टू ई होता है। अरे अल्फा है, अल्फा है, अल्फा है, तो अल्फा का आवेश जो होगा, अल्फा का आवेश जो होगा वो 2e होगा। देखिए यहां z लिखा है, काट दिया, वहां 2 लिखा हुआ है, ठीक है। चल, तो अब यहां पर क्या मैं, अब देखो, अब ये फिजिक्स तो हर जगह लगती है ना भैया, यहां ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हैं, इसमें कोई कौन सी दिक्कत वाली बात है। तो अगर मैं ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाऊं, ऊर्जा संरक्षण, तो ऊर्जा संरक्षण क्या लिख सकते हैं? यहां पर ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा है सर, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये जब यहां पर पहुंचेगा तो ये न्यूनतम दूरी आर नॉट, बेटा z क्या है, z इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, ये केमिस्ट्री में पढ़ा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा किस में चले जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी में चलेगी, तो क्या हो जाएगा के क्यू, मतलब इसमें 2e। अच्छा, कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं भैया, के क्यू वन क्यू टू बटे में आर। ये हमने जब कक्षा 12वीं शुरू करी थी, कक्षा 12वीं शुरू करी थी, आज से आदि अनादि काल पहले, है ना, मतलब आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व की बात है, जब हमने स्थिर विद्युत की पढ़ा था, कूलम का नियम पढ़ा था, है ना, कूलम का नियम पढ़ा था, स्थिर विद्युत की पढ़ा था, और वहां पर हमने उसमें स्थिर विद्युत की में हमने स्थितिज ऊर्जा भी देखी थी, है ना, याद आया कुछ कुछ? अच्छा, मेरी शादी पर देखा था, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत सी, हाँ वही वही समय, वही समय, है ना। तो यहां पर क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू बटे में आर, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर बटे में, देखो क्यू वन, क्यू वन को मैं टू ई लिख सकता हूं, Q2 को क्या लिख सकता हूं, ZE बटे में ये दूरी जो है वो R0 है ना। तुम्हें तुम्हें कुछ चैप्टर तो ऐसे याद है ना कि सर की शादी हुई थी, सर की शादी के पहले वाला चैप्टर है, अच्छा सर की शादी के बाद वाला चैप्टर है, सर की शादी वाला चैप्टर है, बहुत बढ़िया। हाँ भैया, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे R0 निकालना है, हमें क्या निकालना है, R0, तो R0 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। R0 क्या हो जाएगा, R0, ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है क्या, हाँ ये फॉर्मूला है, क्या ये याद रखना, नहीं ये याद नहीं रखना है। यहाँ R0 क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो फोर के जेड ई स्क्वायर बटे में एम वी स्क्वायर। क्लियर है, है ना। तो ये हम R0 की वैल्यू याद रख सकते हैं, ये क्या है, न्यूनतम। याद रखना कि नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, क्यों, क्योंकि ये तो हम निकाल ही सकते हैं ना, गतिज ऊर्जा जो होगा गतिज ऊर्जा के बराबर कर देंगे,
अब क्या होगा यहां पर इसे हम k, k को क्या लिख सकते हैं, 1 by 4 pi epsilon भी लिख सकते हैं। तो चाहो तो इसको ऐसा भी बना सकते हो, z e square बटे में m v square 4 pi epsilon। तो ये 4 pi 4 से 4 कट जाएगा और यहां पर ये आ जाएगा z e square बटे में pi epsilon m v square। ये हमारा r not आ जाएगा या न्यूनतम दूरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? न्यूनतम दूरी। ठीक है, चल तो यहां पे ये न्यूनतम दूरी के लिए ये वाला सूत्र हम यहां पे ऐसा सीधा सीधा याद रख सकते हैं। आप चाहो तो k को 1 by 4 pi epsilon भी रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा ये वही वाला डेरिवेशन करा हुआ है। उसके बाद में एक और दूरी होती है जिसको हम संगत प्राचल कहते हैं, जिसे हम b से चिन्हित करते हैं। ये क्या होता है? नाभिक के केंद्र से अल्फा कण के प्रारंभिक वेग दिशा v की लंबवत दूरी संगत प्राचल कहलाती है, है ना। मतलब संगत प्राचल का मान जो होता है वो यह होता है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसमें, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये क्या है, ये क्या है, यह है, यह है, यह वो दूरी है। जैसे अगर मान के चलो ये आया, ये यहां पे अल्फा कण पे घूम गया, है ना। अल्फा कण जो है थीटा कोण पर घूम गया, तो अगर ये थीटा कोण पर घूम जाता है, थीटा कोण पर घूम जाता है, तो ये यहां पर यह जो दूरी होगी ये न्यूक्लियस से कितनी नजदीक से निकला वह b कहलाएगी, है ना। तो b को हम चाहे तो लिख सकते हैं, ये देखो ये एकचल में हमने जो अभी r नॉट लिखा ना उसी प्रकार का है ये टर्म भी। हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहां पर ना हाफ एम वी स्क्वायर बराबर के जेड ई इंटू ई बटे में आर। यह हमने लिखा, ये हमने लिखा, तो ये अभी जो हमने r का मान निकाला उसी प्रकार का ये भी मान है, उसी प्रकार का ये भी मान है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, है ना। वह थोड़ा सा परिवर्तन है, हाफ एम वी स्क्वायर को इधर ले आओ, पूरा का पूरा लेकर आ जाओ, और यहां पर ये थीटा के टर्म्स में, क्यों, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि यहां पर जब ये घुमा तो थीटा कोण घुमा होगा, तो यहां पर कितने नजदीक से निकला था। बेटा k जो है 1 by 4 pi epsilon नॉट है, ये वाला जो k है ये 1 by 4 pi epsilon नॉट है। तो मैं इस पे अगर नहीं समझ रहा तो इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा डिराइव करके दे दिया अभी तुम्हें। ठीक है, तो यहां पर ये जो होगा b जो होगा समानुपाती होगा cot थीटा बटा 2 के। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब नजदीक से निकल कर जा रहा है तो न्यूनतम दूरी जो होती है वह समानुपाती होती है थीटा बटा 2 के। क्लियर है? तो ये दो तीन बातें जो फिजिक्स में ही पढ़ी जाती है, केमिस्ट्री में नहीं बताई जाती है ना, क्योंकि ये एनर्जी वाली बातें कहां से सिखाएंगे। तो ये सारी बातें याद रखना होगी। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी रदरफोर्ड भाई साहब ने जो ये रदरफोर्ड भाई साहब का एक्सपेरिमेंट था, अब इसका कंक्लूजन कि रदरफोर्ड भाई साहब ने जो मॉडल दिया उसके बारे में क्या क्या बोला। उन्होंने बोला कि एक्चुअल में अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग के पश्चात हमें कुछ इस प्रकार की बातें प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुआ कि हमारे पास एक नाभिक होता है 10^-15 मीटर, है ना, जिसको थोड़ा सा बड़ा फोटो बनाते हैं हम यहां पर। चलो एक और नई चीज से फोटो बनाते हैं हम यहां पर। देखो तो यहां पर उन्होंने बोला कि एक नाभिक है ना, क्या एक नाभिक है, ठीक है, और ये जो नाभिक होगा ये नाभिक क्या, ये नाभिक का जो औसत व्यास होता है वो 10^-15 होता है, और साथ ही साथ यहां पर इसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्तीय कक्षा में घूमते रहते हैं। इसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्तीय कक्षा में घूमते रहते हैं। बहुत बढ़िया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसके पीछे नहीं जा रहा है, छोड़ो इसे। देखो यहां पर वृत्तीय कक्षा है, है ना, और साथ ही साथ यहां पर बन गया। देखो यहां पर ये छोटा सा न्यूक्लियस है, छोटा सा क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस की जो त्रिज्या है,
न्यूक्लियस की जो त्रिज्या, इससे ज्यादा बेहतर तो हम हाथ से बना दिए होते इतनी देर में, कोई बात नहीं। चलो तो यहां पर जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस जो है वह क्या है, वह उसकी जो त्रिज्या है, या न्यूक्लियस के लिए यहां पर जो व्यास है वो 10^-15 मीटर आता है, ठीक है। घूम रहा है वो 10^, इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है वो 10^-10 मीटर होता है, ठीक है, 10^-10 मीटर होता है। अच्छा एक बच्चा बोल रहा है टेक्स्ट बिहाइंड करो, हाँ बेटा टेक्स्ट बिहाइंड वो उसमें नहीं होता है। देखो तो यहां पर आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो यहां पर एक्चुअल में बात यह है कि हम ऐसा समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं हम यहां पर कि एक्चुअल में ये जो एटम है ना, और जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है ये बहुत ही कम जगह, ये जगह कितनी है 10^-15 है, और वह 10^-10। सर फील नहीं आया, फील नहीं आया, फील नहीं आया, फील नहीं आया। देख मान के चल ये है 1 मीटर, ये कितना है 1 मीटर, ये हो गया 1 मीटर, तो ये 10^5 मीटर हो जाएगा। अब भाई फील आया, हाँ सर, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि यहां पर, यहां पर ये अगर 1 मीटर है त्रिज्या, मतलब ये बीच की 1 मीटर त्रिज्या कितनी थी, एक इतनी बड़ी होती, इतनी बड़ी 1 मीटर त्रिज्या होगी, ठीक है। तो अगर 1 मीटर बराबर का मेरे पास न्यूक्लियस है तो जो एटम होगा वो 10^5 मीटर का होगा, 10^5 मीटर मतलब कितना हो गया 100 किलोमीटर हो गया, है ना। मतलब कि अगर अगर मैं ये ऐसा समझूं कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो हो यहां से यहां तक का है, तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे वो यहां से मेरे घर से दूसरे शहर में घूम रहे, मेरे घर से दूसरे शहर में ही घूम रहे हैं, इतना ज्यादा अंतर होता है। मतलब जो न्यूक्लियस है वो बहुत बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। और न्यूक्लियस बहुत छोटा तो है ही है, साथ ही साथ इससे यह भी हमें पता चला कि अगर ये न्यूक्लियस बहुत छोटा है तो इसके आसपास जो, इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना, इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे जगह बहुत खाली है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अथाह जगह खाली पड़ी हुई है ना, मतलब भयंकर जगह खाली है ना। मतलब ऐसा समझो कि तुम यहां पर बैठे हो, ये तुम्हारा घर है, है ना, ये तुम्हारे घर भी नहीं, मतलब जहां पर तुम बैठे हो तुम्हारी टेबल जितनी बड़ी है, तुम्हारी टेबल को तुम एक जंगल में लेकर बैठे हो, जिससे तुम जहां बैठे हो वहां से हर दिशा में 100 किलोमीटर, सोच 100 किलोमीटर। मतलब अगर भारत की बात की जाए तो नॉर्मली 100 किलोमीटर में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं, हमारे इधर तो 20-30 किलोमीटर में पहुंच जाते हैं, है ना। मतलब कि यहां से, है ना, हमारे इंदौर से देवास पहुंचा, इंदौर से उज्जैन 30-30 किलोमीटर की दूरी में, है ना। तो यूजुअली ये सब क्या है, ये 30-30 किलोमीटर सोच। तो अब एक तू जंगल में बैठा है टेबल के ऊपर, इतना बड़ा एटम है, इतना बड़ा न्यूक्लियस है, और यहां से 100 किलोमीटर दूरी तक पूरा एटम है, इतना भयंकर बड़ा जंगल है और इतनी जगह खाली पड़ी हुई है पूरी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे यूजुअली चिन्हित इससे करते हैं कि नाभिक का जो आकार होता है वो फर्मी में करते हैं, 10^-15 को बेटा हम एक फर्मी मीटर कहते हैं, ये हम आगे भी याद रखेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं एक फर्मी मीटर होता है, और ये एक एमस्ट्रॉन्ग होता है, 10^-10 जो होता है वह एमस्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होना चाहिए, जो रदरफोर्ड भाई साहब ने बोली। इसके अलावा मतलब इंदौर से भोपाल, नहीं भोपाल तो बहुत ज्यादा दूर हो गया, भोपाल तो 250 किलोमीटर हो गया, 250-300 किलोमीटर हो गया, नहीं नहीं बहुत ज्यादा हो गया वो तो, है ना। चल इसी प्रकार से हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इंदौर से खंडवा जितना दूर है ना, खंडवा से और थोड़ा करीब अगर एमपी में आप रहते हो तो। चलो चलो बहुत बढ़िया, अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। फिर इसमें और क्या क्या बातें बोली, उसने बोला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो है एवं आवेश एक अल्प क्षेत्र में केंद्रित है, जिसे हम नाभिक कहेंगे, नाभिक धनावेशित है लेकिन एवं इसके आकार, इसका जो आकार है वो 10^-15 मीटर, जो एक लगभग एक फर्मी के बराबर है। नाभिक परमाणु के आयतन का 10^-, ये जो नाभिक जो है ना वो इसके, देखो ये एक्चुअल में आयतन की बात करना चाहता हूं, आयतन में अगर मैं लिखूं तो इसका आयतन जो होगा इसका 4/3 πr³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 πr³, क्योंकि ये भी तो स्फीयर है, तो 4/3 πr³ मतलब ये 10^-45 हो गया,
और ये 10 के घात माइनस 30 हो गया, 4 by 3 pi r cube, सोच क्यूब 10 के घात माइनस 30 हो गया, तो ये 15 गुना ज्यादा है आयतन अनुसार, है ना। 10 के घात माइनस 15 या उससे कम आयतन घेरता है, बहुत कम आयतन घेरा हुआ है, ठीक है। परमाणु का आंशिक भाग खोखला है एवं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भ्रमण करते हैं कि जैसे पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है वैसे ही ये सब घूम रहे हैं, ये रदरफोर्ड भाई साहब ने बोला, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रदरफोर्ड भाई साहब बता रहे थे उसके साथ ही साथ, है ना, ये सब जो थ्योरीज चल रही थी, तो ये सब देखो 17वीं शताब्दी में 18वीं 19वीं शताब्दी में बहुत सारी चीजें डेवलप हुई है हमारे, ना, जो साइंस का मेजर डेवलपमेंट जो है जो हम पढ़ते हैं वह सब कुछ 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में 200-300 सालों में ही हुआ है मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब रदरफोर्ड भाई साहब ये सब बता रहे थे तो साथ साथ मैक्सवेल भाई साहब भी आ गए थे, जिन्होंने, मैक्सवेल कौन थे याद है, जिन्होंने किसको चमकाया था, एम्पियर भाई साहब को, है ना। कब चमकाया था याद करो, जब मैंने ईएम वेव्स पढ़ाया था तो उसमें उन्होंने डिस्प्लेसमेंट विस्थापन धारा के बारे में बताया था, तो उन्होंने मैक्सवेल भाई साहब ने किसको जाकर चमकाया था, एम्पियर को, है ना, कि बोला भैया जो तुम्हारा से लॉ है वो अधूरा है, अरे कुछ कुछ याद आया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल जो लिखा था वो म्यू नॉट आई के बराबर लिखा था, फिर उसके बाद में मैक्सवेल भाई साहब गए बोले अरे रुक जा इसमें तूने अधूरा लिखा है, यहाँ पर विस्थापन धारा भी आएगी, उन्होंने लिखा था आई प्लस आई डी भी होगा डिस्प्लेसमेंट, आई सी प्लस आई डी होगा, यह मैक्सवेल भाई साहब ने जाकर किसको समझाता, एम्पियर को। तो जब ये मैक्सवेल भाई साहब ने इतनी सारी बातें बोल दी थी तो उन्होंने और भी कुछ बातें बोली थी ना, ये भाई साहब ने क्या बातें बोली थी कि जब आवेश जो है वो त्वरित गति करता है, जब आवेश त्वरित गति करता है तो वह अपने अंदर से ऊर्जा उत्सर्जित करता है, क्योंकि त्वरित गति क्या है, इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो हमने ये पहले ही पढ़ा है सर कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये देखो इसको फील कर सकते हो आप पूरा पूरा, कैसे कि क्यों गलत हुआ, है ना, क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो अगर इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता है तो हमने देखा था वो ईएम वेव्स बनाता है, इलेक्ट्रॉन जब त्वरित गति करता है तो क्या बनता है भैया, ईएम वेव्स बनती है, EM waves, मतलब कि वहां से किरणें, है ना, या तरंगे उत्सर्जित होगी, तो तरंगे उत्सर्जित हो रही, तरंगों में तो ऊर्जा होती है, मतलब ये EM, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वह त्वरित गति करेगा या आवेश त्वरित गति करेगा तो वहां पर आवेश को त्वरित गति करवाकर ये प्रूफ भी कर दी थी कि वहां से भैया एनर्जी आ रही है, ठीक है। बेटा फर्मी मतलब 10^-15, वही मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, फर्मी, एक फर्मी जो होता है 10^-15 होता है। तो यहां पर अब इन्होंने फिर पहले मैक्सवेल ने जो है एम्पियर को जाकर चमकाया, फिर उसके बाद उन्होंने रदरफोर्ड के मजे लिए, उन्होंने बोला देखो इधर आओ, मैं जो हूं मैं बोल रहा हूं सच है, तो उन्होंने बोला पता नहीं, तो बोलते अरे मेरी बात दुनिया मान रही है सब सच है, मैंने तो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करा। तो उन्होंने बोला देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है आप ही के लिए लिखा हुआ है ना, बस मैं समझा देता हूँ क्या है। इन्होंने बोला कि यार देख, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल 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 घूम रहा तो वो त्वरित गति होगी क्या नहीं होगी, पहले तो तुम बताओ यार, पहले तो तुम बताओ, मान के चलो तुम साइंटिस्ट हो, है ना, तुम सब साइंटिस्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पर रदरफोर्ड खड़ा हुआ है और मैक्सवेल खड़े हुए हैं ना, तो मैक्सवेल भाई साहब ने रदरफोर्ड भाई साहब से पूछा कि भैया बताओ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल घूम रहा है ना, मान के चलो, अच्छा अगर तुम सब साइंटिस्ट हो तो फिर तो मैक्सवेल बन गया, है ना, अगर तुम सब साइंटिस्ट हो तो मैं तो मैक्सवेल हो गया ना यार, फिर तो मैं इस चीज बता रहा हूँ तुम्हें, देखो। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वह गोल गोल घूम रहा था, ये गति त्वरित गति है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ, ये जो गति है वो त्वरित गति है कि नहीं है, वॉल्यूम पे 10^-12 दिया है, देखो एक बार इसको बुक से कंफर्म कर लो, वैसे मेरे हिसाब से 10^-15 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 10^-15 का स्क्वायर होगा की घात 3 होगा और यहाँ पर इसकी भी घात 3 होगा, इसकी घात 3 होगा तो 45 हो जाएगा, इंटू 3 करके 45 होगा, 30 हो जाएगा, तो ये जब हम इसका अनुपात लेंगे तो 10^-15 के करीब आना चाहिए। तो
यहां पर ये त्वरित गति है? हाँ सर, ये त्वरित गति है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? अभिकेंद्रीय बल। तो हमें पता है कि यहां पर जो गति होती है, अगर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है तो त्वरित गति होती ही होती है। तो अगर त्वरित गति हो रही है, त्वरित गति हो रही है यहां पर, कैसी गति हो रही है? त्वरित गति हो रही है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं सर कि इसको ईएम वेव्स देनी चाहिए। तो ये मैक्सवेल भाई साहब ने पूरी दुनिया को बोला, तो दुनिया बोला हाँ ईएम वेव्स देनी चाहिए। फिर मैक्सवेल भाई साहब ने बोला कि अगर इसे ईएम वेव्स देनी चाहिए तो इसकी ऊर्जा कम होनी चाहिए, है ना। तो हमने बोला कि हाँ ऊर्जा कम होनी चाहिए। तो अगर ऊर्जा कम हो रही है कोई सी भी चीज की, अगर वो चल रहा है उसकी ऊर्जा कम होती जा रही है, ऊर्जा कम होती जा रही है, उसका ऊर्जा कम होती जा रही है, मतलब क्या होगा कि वह अब और छोटे और छोटे और छोटे और छोटे और छोटे कक्षा में घूमना चाहिए, बहुत छोटी कक्षा में घूमना चाहिए। तो अल्टीमेटली घूमते 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 वो न्यूक्लियस के अंदर टकरा जाना चाहिए। फिर रदरफोर्ड भाई साहब ने बोला ये तो पता नहीं, अजीब ये आदमी कुछ भी बोलता रहता है ना। फिर रदरफोर्ड भाई साहब चले गए, बोले भैया चलो ठीक है करवा ली बेइज्जती, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ बोला, है ना। रदरफोर्ड भाई साहब ने बोला देखो इतनी बातें तो मैंने बोली ना, ये सब तो सच है। तो बोला हाँ ये सब सच है, बस ये नहीं बता पाए तुम कि इलेक्ट्रॉन वहां रखा हुआ क्यों है, है ना, वो टिका क्यों है। तो रदरफोर्ड भाई साहब का काम खत्म हो गया यहाँ पर। फिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अगर घुमा 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 घूमते हुए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, ठीक है। तो नाभिक पर गिरा नहीं, अगर नाभिक पर गिर जाता तो कुछ भी ये सब कैसे संभव है, गलत है मतलब ये, है ना। तो फिर यहां पर उनकी बात खत्म हो गई, है ना। तो यहां पर ये सब क्या था, ये क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से बातें बोली जाती थी, ये घूम रहा है ना, तो ये यहां पर इसके अंदर जाकर गिर गया। अब फिर उसके बाद में, है ना, अच्छा इसके अलावा एक दो और बातें जो नहीं समझा पाया, है ना, कि यहां पर जो ये वाला जो मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल जो था, वो उसके आधार पर परमाणु का स्पेक्ट्रम जो सतत होना चाहिए। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है यार, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, है ना, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर यह व्यवहारिक रूप से रेखीय स्पेक्ट्रम होना चाहिए। और यह बोला है कि यहां पर इस मॉडल के आधार पर परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से हमें पता चला कि ये असतत होता है। ये कैसे होता है वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरण को नहीं समझा पाए कि कहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉन होएगा। क्लियर है कहानी? चलो आगे बढ़े हम। स्क्रीनशॉट लेना है? हाँ ठीक है बेटा, मैं पीछे कर देता हूं एक बार। आगे बढ़े, चलो अब काम की बात पढ़नी है। मतलब अब ये सब कुछ तो हो गया हमारा ना, रदरफोर्ड मॉडल खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ बेटा वहां पे 10 के बाद माइनस 12 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 10 के बाद माइनस 15 कर ले, है ना। ये एक बार मैं डाटा निकाल लूंगा, बाकी मेरे सबसे 10 के बाद माइनस 15 के करीब होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े अब हम, है ना। अब हम यहां पर रदरफोर्ड भाई साहब का काम तो खत्म हो गया, खल्लास, है ना। अच्छा किसी के मन में ये तो सवाल नहीं आता ना, जैसे अभी जेई में पढ़ा रहा था तो जेई वाले बच्चे बहुत भावुक होते हैं, है ना, अजीब अजीब सी बातें पूछ देते हैं। क्या पूछ रहा था एक बच्चा बोलता है सर ये सब गलत ही था तो पढ़ाई क्यों रहे हो, ऐसा तुम में से तो कोई तेजस्वी नहीं है जिसके मन में ऐसा विचार आता है कि सर ये गलत था तो पढ़ाए ही क्यों, सीधा सही वाला पढ़ा दो, गलत वाला क्यों पढ़ा रहे हो, गलत वाला एग्जाम में भी क्यों पूछते, जो गलत था तो उसके वो पढ़ाने की क्या जरूरत थी। बोहर मॉडल, है ना। तो बोहर मॉडल क्या था? अब बोहर भाई साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें बोली। उन्होंने बोला कि देखो रदरफोर्ड सही था, ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड सही नहीं भी था, रदरफोर्ड गलत था लेकिन पूरा गलत भी नहीं था और पूरा सही भी नहीं था। तो उसने बात तो बहुत सही बोली कि बीच में न्यूक्लियस होगा, है ना, बीच में न्यूक्लियस होगा और उसके आसपास क्या इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस यह इलेक्ट्रॉन टकराएगा क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला कि देखो यह सब कुछ जो ये मैक्सवेल एक्सेल बोल रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स या जो फिजिक्स हम पहले तक पढ़ते आए थे उनकी बातें कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि इसके अंदर, है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी कहानी नहीं मानता,
रदरफोर्ड जो बोल रहे थे वो सही था, लेकिन बस वो ये नहीं बता पाए थे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो गोल गोल कैसे घूम पा रहा है। तो बोहर भाई साहब ने बोला कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है यह अपनी अलग दुनिया में जीता है, इसकी पूरी अलग ही दुनिया है, ये तुम्हारी जैसी दुनिया नहीं है, है ना। उसकी दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी दुनिया में उसने बोला कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वह निश्चित ऑर्बिटल्स में ही घूम रहा है, निश्चित ऑर्बिटल्स में ही घूम रहा है ना। तो बोहर ने बोला कि यहां पर जो जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है और वहां पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बिना ऊर्जा उत्सर्जित करे घूम रहा है और वह निश्चित वृत्ताकार पथों में ही घूमता है। और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का परिमाण जो है वो क्वांटीकृत होता है या क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होता है कैसे होता है, वहां पर क्वांटीकरण होता है। जैसे मैंने आपको कल ही जो डी ब्रोगली भाई साहब ने बोला था उससे ये वाली बात प्रूव कर बताई थी। क्या बताई थी कि यहां पर जो एल है, एल जो होगा वह एम वी आर होता है कोणीय संवेग, और यह जो होता है वो एन एच अपॉन में 2 पाई होता है। क्या होता है, एल बराबर एन एच अपॉन में 2 पाई होता है। ये बात मैंने आपको कल ही प्रूव भी करके बताई थी किससे, डी ब्रोगली से, है ना। कि डी ब्रोगली की बात और बोहर की बात क्यों एक ही है और कैसे सही हुई दोनों की बातें, दोनों ने अलग अलग तरीके से निकाल कर बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है कोणीय संवेग एम बी आर जो होता है वो एन एच अपॉन में 2 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एन एच अपॉन में 2 पाई के बराबर होता है। क्लियर ये कहानी। अच्छा, अब इसके अलावा जो n होगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी नंबर होता है, यह क्या है, ये क्वांटम संख्या होती है। क्या होती है, क्वांटम संख्या होती है, ठीक है। अब इसी के आधार पर पूरा आगे का चैप्टर है हमारे पास, है ना। इसी के आधार पर बहुत सारी कहानियां बताई गई है, बहुत सारे सूत्र बनाए गए कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन जो पहली ऑर्बिटल, दूसरी ऑर्बिटल, तीसरी ऑर्बिटल, चौथी ऑर्बिटल में घूम रहा है उसका आवर्त काल होगा, उसका त्रिज्या क्या होगी, उसका वेग क्या होगा या उसकी चाल क्या होगी, उसके बाद उसकी ऊर्जा क्या होगी, उसका कोणीय संवेग क्या होगा, वगैरह 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 पूरी कहानी इस पर बनाई गई है ना। उस कहानी को शुरू करें उससे पहले हम इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स उसको खत्म कर देते हैं। यहां पर जो R है, Rn जो होगा वो क्या होगा, Rn जो होगा वो nv कक्षा की त्रिज्या होगी और vn जो होगा वो nv कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल होगी। साथ ही साथ जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी ऊर्जा से दूसरी स्थायी ऊर्जा में संक्रमण करता है केवल तभी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उसने बोला कि ऐसे हर कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर देगा, वो जब एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में आता है तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ये बोहर भाई साहब की इंपॉर्टेंट बातें थी, ये बोहर भाई साहब ने सब कुछ समझाया था। हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में जो है वो रदरफोर्ड की बातें है और बोहर भाई साहब के आधार पर यह पूरा इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है वह अब हम आगे जाकर सॉल्व करने वाले हैं। उसके लिए पूरा थोड़ा बहुत गणित और फिजिक्स के फॉर्मूले बनाने वाले हैं। क्लियर है कहानी, है ना। चलो देखो, तो यहां पर अब इससे आगे पढ़े, पूरे गणित में घुसे और पूरा चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो सूत्र हमें बनाने हैं, जो फॉर्मूले बनेंगे उसमें जाए, उससे पहले बस ये थ्योरी का आखिरी पार्ट बचा है उसको खत्म कर देते हैं कि यहां पर यह परमाणु मॉडल के दोष क्या थे या कहां पर यह सही सिद्ध नहीं हुआ। तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसमें नीट 2020 का सवाल है, ये नीट 2020 का सवाल है ना। 4 ऑप्शन दिए हुए थे और बोला था कि किसमें बोहर का मॉडल नहीं लगेगा, किसमें बोहर का मॉडल नहीं लगेगा। तो याद रखना किसमें लगता है, जो एकल परमाणु होते, एकल परमाणु मतलब हाइड्रोजन, हीलियम HE प्लस, देख HE में 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दे, Li 2 प्लस, Na, अगर सोडियम है तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, अच्छा सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दो तो उसमें से वह 11 इलेक्ट्रॉन में से अगर 10 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दो तो एकल इलेक्ट्रॉन
परमाणु बन जाएगा और वहां से वहां पर हम बोहर का मॉडल लगा सकते हैं, या जो सारी बातें बोलेंगे वो सही होगी उसके लिए। फिर बोहर के अनुसार कक्षीय यहां पे जो कक्षाएं होती है इसकी वो वृत्तीय होती है, जबकि बाद में हमें समरफील्ड वगैरह ने और उसके बाद में श्रोडिंजर वगैरह ने बताया कि ये सब गलत है ना। यहाँ पर जो कक्षाएं होती है वो गोल 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 नहीं घूम रहे, वो अलग अलग आकार में है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यहाँ इसके आगे की कहानी जो है केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है क्या, कि यहाँ पर एस ऑर्बिटल जो होता है वो ऐसा होता है, पी ऑर्बिटल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है ना, डी ऑर्बिटल जो होता है उसका आकार अलग होता है। तो यहाँ पर ये अलग 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 आकार के जो होते हैं ना, अलग अलग आकार के क्यों होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल जो होगा है ना, तो ये ऑर्बिटल जो है वो ऐसा नहीं कि यहीं यहीं गोल गोल घूम रहे, और बहुत सारी फिर बातें जो है वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होती है ना, कि अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, कि शेल की फिलिंग कैसे होगी, यह सब कुछ पढ़ा होता है। ठीक है, तो वो कहानी पूरी आगे केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है, क्या सही है इसके आगे का है ना, उसके आगे का भी क्या सही है वो, और आप अगर आगे जाकर फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर स्पेक्ट्रम रेखाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। फिर उसके बाद में बोला कि नाभिक को स्थिर माना गया है जबकि यह अपने अक्ष के परितः घूर्णन करता है ना, ये बात तो केमिस्ट्री में भी नहीं बताई जाएगी, मतलब ये जो आपको 11 12 का केमिस्ट्री होता है उसमें भी नहीं बताई जाती, तो और हायर जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन वगैरह उससे पता चला कि एक्चुअल में ये जो नाभिक है वो नाभिक भी गोल 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 घूम रहा है ना। फिर स्पेक्ट्रम में प्राप्त सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। स्पेक्ट्रम की कहानी जो है वो हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत ना, और वैसे मैक्सिमम स्पेक्ट्रम की बात आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होती कि एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम और एमिसिव स्पेक्ट्रम क्या होता है, और स्पेक्ट्रम से जुड़ी और भी जो बातें हैं वो हायर स्टडीज जब बीएससी एमएससी वगैरह के लिए पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग वगैरह के लिए पढ़ोगे तो उसमें बताई जाती है। लेकिन सर ना तो हमें बीएससी एमएससी करना है ना तो हमें इंजीनियरिंग करना है, सर हमको तो डॉक्टर बनना है, बहुत बढ़िया, तो फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा यहाँ पर और भी अलग अलग प्रकार के प्रभाव होते, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का अलग अलग होना और इसके बाद में विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रीय रेखाओं का अलग अलग होना, इसकी व्याख्या जो स्टार्क का इफेक्ट था और जीमेन का जो प्रभाव था या इफेक्ट था वो भी नहीं बता पाया। ठीक है, आया समझ में, चलो, तो ये सारी बातें नहीं बता पाए। अब जो बताया है, जो हमें पढ़ना है, उस पर एक एक कर जाते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाइड्रोजन के तुल्य जो बोहर मॉडल होगा उसमें क्या क्या बातें होंगी। तो सबसे पहले क्या होगा उसको हम एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास एक समीकरण आया एल बराबर एम वी आर बराबर एन एच अपॉन में 2π, यह पहला समीकरण आया। अच्छा, इसके अलावा क्या हमारे पास और भी कोई समीकरण है? बिल्कुल, हमारे पास एक और समीकरण है सर, कि अगर मान के चलो यहां पर जेड ई आवेश है, कौन सा आवेश है, जेड ई आवेश है ना, और यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वह कुछ आर दूरी पर घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ई होगा, तो यहां पर ये जो बल लगाएगा है ना, यहां पर ये जो बल लगाएगा वह बल कितना होगा, ये होगा के जेड ई अपॉन में आर का स्क्वायर, के जेड ई अपॉन में आर का स्क्वायर, और ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, सर यह बल जो है वो केंद्र की तरफ लग रहा है और इसी बल के कारण ये गोल घूम रहा है, तो यह जो बल होगा वो अभी केंद्रीय बल होगा, जिसे हम एम वी स्क्वायर बटा आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम वी स्क्वायर बटा आर बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर ये एम वी स्क्वायर बटा आर हो जाएगा तो यहां पर एक आर से एक आर कट जाएगा, ये ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर के इंटू जेड बचेगा, तो यहां पर क्या होगा है ना, यहां पर क्या होगा, ये के एल बराबर सॉरी के बराबर के इंटू जेड ई स्क्वायर बटे में आर बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर। बेटा एल जो है वो कोणीय संवेग है, क्लास में आकर एक ही तो बात बताई है इतनी देर से मैंने, कोणीय संवेग, या इससे पहले तो बस यही तो बोल रहा था, केमिस्ट्री में पढ़ा है तूने, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये ऐसा होता है ना, जो काम की बात पढ़ा था वो ढंग की एक ही तो बात बताई मैंने अभी तक, कोणीय संवेग होता है एल।
ये तो पता नहीं सर, कभी ही पढ़ा था, ये कब पढ़ा था, है ना। हाँ बेटा मैं तो बोल ही रहा हूं, मैं तो ये बोलता हूँ तो चैप्टर ही छोड़ सकता है हम फिजिक्स में, क्योंकि ये पूरा वैसा ही सब्जेक्ट, ये वैसे ही पूरा चैप्टर है जैसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है ना। इसमें जो कोलिजन वगैरह की छोटी छोटी सी बातें होती है वो मैं बता दूंगा, बाकी सब कुछ ये फॉर्मूले वगैरह, ये आर का मान, ये वी का मान, ये टी का मान, ऊर्जा का मान, ये सब कुछ आपने जो केमिस्ट्री में पढ़ा है वह सेम है ना, एटम थोड़ी ना बदल जाएगा। तो मैं इन दोनों समीकरणों का उपयोग कर, इन दोनों समीकरणों का उपयोग कर है ना, इसे मैं समीकरण नंबर एक बोल देता हूँ, या इसे दो बोल देते हैं हम, और इसे समीकरण नंबर एक बोल देते। तो इन दोनों का उपयोग कर हम R का मान निकाल सकते हैं, है ना, हम V का मान निकाल सकते हैं, और हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं सबसे पहले, है ना, सबसे पहले यह आर का मान निकालना चाहो, तो आर का मान कैसे निकाल सकता हूं। देखो बेटा, आर का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर से एम वी का मान उठाकर वहां रख दे, या यहां पर से अगर एम वी का मान उठाकर रख देगा तो वहां से हम आर का मान या वी का मान उठाकर वहां रख दे, कैसे भी कर ले, आर का मान उठाकर रख दे तो वी का मान आ जाएगा, वी का मान उठाकर रख देगा तो आर का मान आ जाएगा। तो हम एक से शुरुआत कर देते, हमने बोला के जेड ई स्क्वायर बटे में आर, V को M को नीचे लिया है मैं, या अगर नहीं भी लाओ तो भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि यहां पर सर एम वी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर हमने एम वी लिखा हुआ है तो एम वी का मान अगर उठाकर हम वहां पर रख देते हैं, एम इंटू वी का मान पूरा पूरा उठाकर रख देते हैं, नहीं एक बार एक काम करो, पहले उल्टा शुरू करते हैं। यहां पर हम ये आर एक वी, अच्छा हाँ एक वी स्क्वायर बचेगा यार यहां से, हाँ अब सही है। तो यहां से हम एम वी, अब ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना, हम इसका मान उठाकर वहां रख देते हैं, एम वी का मान उठाकर वहां रख देते हैं, तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएगी। तो जैसे ही उठाकर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एम वी इन टू आर बराबर हो जाएगा एन एच अपॉन में 2 पाई। तो अगर रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा एम वी, एम वी की जगह लिखना है हमें के जेड ई स्क्वायर बटे में आर वी इंटू आर, जो होगा वो एन एच अपॉन में 2 पाई होगा। तो यहां पर से आर कट जाएगा और यहां से वी का मान पहले निकल जाएगा, तो वी का मान कितना आ जाएगा, वी का मान आ जाएगा सर, ये वी इधर जाएगा बाकी नीचे आ जाएगा, तो जाएगा के ई स्क्वायर इंटू 2 पाई बटे में एच, देख वी उधर गया, के ई स्क्वायर इंटू 2 पाई बटे में एच, इन टू में क्या आ जाएगा, इन टू में आ जाएगा सर यहां पर जेड बटा एन, क्या आ जाएगा जेड बटा एन, ठीक है। तो ये वेग का सूत्र बनेगा, है ना, क्या किसका सूत्र बनेगा, यहां पर यह वेग का सूत्र बनेगा। तो यहां पर से जो वेग निकल कर आए वही वाली बात आपके लिए यहां पर लिखी भी है, ये वेग जो है वो जेड बटा एन के समानुपाती होता है ना। अगर किसी भी nth कक्षा में मैं वेग निकालूंगा, है ना, दिलखुश बेटा शांति से बैठ जाओ, वन डाउट नट बाबा तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, है ना। यहाँ पे वेग जो किसी भी कक्षा में होगा वो जगह के ई स्क्वायर बटा में इंटू 4 पाई बटे में एच एन बटा जेड। तो या हम चाहे तो इसमें के को 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं, है ना, तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो यहां पर इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1/4 के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखोगे तो यहां पर एप्सिलॉन के टर्म्स में आ जाएगा ये। अरे देखो यहां पर ध्यान से इसको, अगर मैंने यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बराबर ई ई स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखोगे तो यहां पर बचेगा ऊपर 2 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एच जेड बटा एन। तो यहां पर से कट जाएगा और नीचे बचेगा दो, तो ये दो बचा, तो यहां पर क्या बचा, ये बचा ई स्क्वायर बटे में 2h इंटू जेड बटा एन, क्लियर है, और एक एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम
इसको डिराइव कर सकते हैं और ये v का वेग, v के लिए सूत्र लिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब वो सारी बातें हम कर लेते हैं। v जो आया बेटा, v जो आया इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, ये सब कुछ हमें जो याद रखना है उसमें याद रखना है कि जो v होगा वो समानुपाती होता है z बटा, v जो होता है वो समानुपाती होता है z बटा n के, और v जो होता है उसके लिए ये नंबर याद रखना पड़ेगा c अपॉन में 137 z अपॉन में n। ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा, और इसे 2.2 इंटू 10 की पावर 6 जेड बटा एन मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ये वेग आएगा, ये वेग आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं त्रिज्या की बात करता हूं, मेरे पास वेग आ गया तो वेग को उठाकर यहां पर रख दो तो त्रिज्या निकल जाएगी। तो जो त्रिज्या निकलेगी उसके लिए ये सूत्र लगाएंगे हम, त्रिज्या के लिए सूत्र लगाएंगे, आर एन जो होगा, आर एन जो होगा वह बराबर होगा, ये कुछ नहीं है वैल्यू उठा के रखी हुई, तुमको ये वाला नंबर याद होना चाहिए 0.53, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है वो एन स्क्वायर बटा जेड है। क्या है? एन स्क्वायर बटा जेड। जो त्रिज्या होगी वो समानुपाती होगी एन स्क्वायर बटा जेड की। तो जो त्रिज्या होती है वो समानुपाती होती है एन स्क्वायर बटा जेड की, क्लियर है? और इसकी जो त्रिज्या वो एमस्ट्रांग में है, 0.53 एमस्ट्रांग में है, क्लियर है इतना? इसी प्रकार से अगर मैं चाहूं तो मैं इसमें आवर्त काल की, कुल ऊर्जा से पहले आवर्त काल की भी बात कर सकता हूं। आवर्त काल क्या लिख सकते हैं हम? आवर्त काल, तो सर आवर्त काल जो लिखते हैं वो t बराबर 2 पाई r बटा v लिख सकते हैं। क्या t जो होगा समानुपाती होगा r बटा v के। अब मैं सीधे सीधे तुम्हें फॉर्मूले बता रहा हूं ना, ज्यादा टाइम पास करने की इच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो यहां पर r की जगह लिखेंगे हम एन स्क्वायर बटे में जेड बटे में वी, वी की जगह क्या लिखेंगे वी, अबे समानुपाती देख रहा हूं केवल है ना, जेड बटा एन, तो जेड बटा एन। तो क्या मिला यहां से? आवर्त काल जो मिला वो समानुपाती हो जाएगा एन क्यूब बटे में जेड स्क्वायर। जो बातें याद होनी चाहिए वो सारी सीधे सीधे बता रहा हूं यहां पर, है ना, है ना। पूरा फॉर्मूला लिख लो बेटा, ये जो है ये तो लिखना ही पड़ेगा, आवर्त काल जो होगा एन क्यूब बटे में जेड स्क्वायर होगा। इतना चमका सभी को, एन क्यूब बटे में जेड स्क्वायर, दीपिका बिटिया बिल्कुल सही बात। चलो इसी प्रकार से अगर मैं ऊर्जा की बात करूं, तो अगर मैं कुल ऊर्जा की बात करूं और गतिज ऊर्जा की बात करूं तो इसी के अंदर क्या हो जाएगा? अगर सर हम गतिज ऊर्जा लिखना चाहे तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? देख ये एक्चुअल में है ना, सीधे फॉर्मूले तो रटे ही होने चाहिए कि कौन किसके समानुपाती है वगैरह वगैरह, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या घुसा हुआ था वो भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में कभी गलती से इसके अंदर, जैसे यहां पर वो बोल देगा, अच्छा चलो इसमें तो नहीं बोल सकता, ऊर्जा में जरूर बोल सकता है कि द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ऐसा, ऐसा जेई में सवाल आया है एक, है ना, कि हमारे पास एक ऐसा कण है जो इलेक्ट्रॉन जैसा ही है लेकिन उसका द्रव्यमान दुगना है, उसका द्रव्यमान दुगना है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, तो वो याद रखना है कि उसके अंदर द्रव्यमान भी घुसा हुआ था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी। अभी तो वेग है हमारे पास, तो वेग एक्चुअल में होता है बेटा समानुपाती होता है जेड बटा एन के। तो मैं यहां से, यहां से मैं पूरा सूत्र चाहूं तो लिख भी दूं, v स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर कर दूं, इस पूरे का स्क्वायर कर दूं मैं, तो यहां पर हो जाएगा z स्क्वायर e की पावर 4 बटे में, बटे में 4 एप्सिलॉन स्क्वायर, ये इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं, n स्क्वायर इनटू h का स्क्वायर। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये जो सब है इसको हटाएंगे तो गतिज ऊर्जा जो आ जाएगी वो 13.6 z स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर आ जाएगी। गतिज ऊर्जा लिखी है, कुल ऊर्जा क्या होगी? अच्छा ये सर कैसे निकालेंगे? अरे देख बेटा, अगर एक चार्ज, एक आवेश है वो दूसरे आवेश के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, एक ग्रह है जो किसी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक उपग्रह है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है हमने कि सर अगर यहाँ पर ये इसके चारों तरफ घूम रहा है ना, या यहाँ पर अगर मेरे पास, अरे यहाँ पर मेरे पास, अगर मेरे पास एक कोई भी ग्रह है या कोई भी एक आवेश जो दूसरे आवेश के चारों ओर घूम रहा है, तो मैंने वहां पे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा में संबंध पड़े होते हैं। क्या संबंध पड़े होते हैं? कि सर जो गतिज ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा होती है और
स्थितिज ऊर्जा होती है, तीन ऊर्जाएं होती है, तो इनमें कौन सी ऊर्जा ज्यादा होती, कितनी होती और क्या होती, ये सब कुछ पढ़ा होता है। क्या पढ़ा होता है सर कि यहां पर जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर मैं परिमाण अनुसार बात करूं तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है, परिमाण अनुसार स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो दुगनी होती है गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा आपस में बराबर होती है। परिमाण परिमाण खेल रहे हैं हम यहां पर, और ये दोनों आपस में बराबर तो है गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा, लेकिन ये इसका नेगेटिव है, जो कुल ऊर्जा है वो नेगेटिव होगी गतिज ऊर्जा की। ये सब हमने किया होता है। तो यहां पर अगर मैं कुल ऊर्जा लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं यह जगह -13.6 जेड स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर। क्लियर है कहानी? एक सेकंड, यहां पे U बटा दो आएगा, एक सेकंड रुको ना, यहां पे U बटा दो कर लो। अब सही है, U बटा दो KQ बटा R। हाँ ठीक, हाँ ये ऋणात्मक होगा, या हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, U बराबर हो जाएगा दुगना गतिज ऊर्जा दुगना कुल ऊर्जा। अरे इसके ग्राफ राफ भी बनाए थे, एक ग्राफ ऊपर बनेगा दो ग्राफ नीचे बनेंगे। इसमें किसी को कुछ डाउट? अच्छा, -13.6 कैसा है बेटा, इस पूरे को सॉल्व कर ले, यहां से z और n स्क्वायर को छोड़ दे, पूरे को सॉल्व कर, तो वहां से जो ऊर्जा आएगी वह जूल में आएगी, फिर उसे 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर लेना तो वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चली जाएगी। किसमें चली जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चली जाएगी। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है कहानी? किसी को कोई भी प्रकार की समस्या हो यहां तक तो पूछ लो, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ना तो ये जो मैंने सब कुछ कैलकुलेट करा वो 13.6 कैसा है, यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखा दिया है ना, क्योंकि कुछ भावुक बच्चे होते हैं, सर ये कैसे आया, देखिए ऐसे आया, सबकी वैल्यू उठा उठा के रखी है बस वहां पर। अच्छा गई भैंस पानी में, ये ईवी क्या है, ये ईवी क्या है, ईवी क्या है, ईवी ईवी क्या है, ईवी क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। मैंने तो बड़े प्यार से लिख दिया ईवी। ईवी याद है, अभी दो दिन पहले ही बताया था, कल भी बताया था, क्या होता है, ये ऊर्जा की इकाई होती है बेटा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के बराबर होता है, पूरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पड़ा था, है ना। और ये क्यों है, क्यों है ये यहाँ पर, क्या कर रही है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में जूल जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लिख रहे हैं यार, बहुत बहुत कम है, है ना, तो इसलिए हमने उसको ईवी में लिख लिया। चलो आगे बढ़ते। अच्छा अब यहाँ पे, अच्छा आवर्तकाल के बारे में तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता ही दिया है, आवर्तकाल का जो फॉर्मूला है मैंने आपको ऑलरेडी बना दिया था। इसमें जो ये पूरे नंबर को सॉल्व करेंगे तो वो जो होगा वो 1.5 × 10⁻¹⁶ सेकंड्स आएगा। समझ रहे हो कितना कम है, कितना नहीं बहुत ज्यादा कम है, 1.5 × 10⁻¹⁶ जो होगा, है ना। यहां पर ये T0 मतलब कि ये जो पूरा नियतांक आएगा उसका मान जो 1.5 × 10⁻¹⁶ होगा। ये जो सब कुछ बातें मैं बता रहा हूं उनका एक टेबल बना ले, चार पांच ही बातें लिखनी होगी, एक त्रिज्या लिख ले, लिख ले कॉपी में, एक टेबल बना ले, एक टेबल बना ले, त्रिज्या लिख लो। ये बनाया है केमिस्ट्री में, जैसे मुझे उम्मीद है बनाया जरूर होगा तुमने यहां पर ये, अरे क्योंकि हमने भी बनाया था, हमने सब कुछ केमिस्ट्री में पढ़ा था जब हम पढ़ते थे, है ना, तब हम सोचते थे केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे। देखो आज तुम सोच रहे हो फिजिक्स क्यों पढ़ रहे, बहुत बढ़िया। ये त्रिज्या होती है, एक टेबल बना लो उसका, टेबल है ना, त्रिज्या वेग आवर्तकाल ऊर्जा, ठीक है। चलो अब, अच्छा फोटोन की ऊर्जा के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ये जो सब कुछ मैंने बताया वो सब कुछ एक टेबल के रूप में मैं भी यहां पर लिखकर लाया हूं आपके लिए, है ना। तो यहां पर अब ये जो कोणीय चाल होगी, अच्छा कुछ कुछ बातें हैं जो नहीं पता हमें, लेकिन हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना, ये जैसे बहुत सारी दूसरी भी बातें जो हमें पता होना चाहिए। कैसे, क्या, देखो कोणीय चाल निकालना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे देख, या तो मैं ऐसा कर लूं v बटा r कर लूं, या मुझे पता है कि सर जो t होता है वो 2π / ओमेगा होता है, तो जो t होगा उसको घुमा लूं तो मुझे ओमेगा मिल जाएगा,
क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा। और सर यहां पर जो अगर मुझे v निकालना है तो v भी पता है मुझे सर कि या आवृत्ति है या ना, ये न्यू है आवृत्ति, तो आवृत्ति जो होता है वो भी एक बटा टी होता है, तो यहां से भी इसका उल्टा हो गया है। ठीक है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, अरे सर कहानी यहीं से शुरू होती है, कोणीय संवेग जो था समानुपाती होगा n के। अच्छा, अगर मेरे को धारा लिखनी है, सोच अगर मुझे धारा लिखनी है, ये ऐसी बातें पूछ सकते हैं बेटा कि वो जब गोल 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 घूम रहा है तो धारा क्या बना रहा है, उसका आघूर्ण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है ना, एल क्या है, टी क्या है, वी क्या है, ओमेगा क्या है, किसके समानुपाती होगा, चार ऑप्शन। तो धारा कैसे बनाएंगे सर, धारा क्या होता है, देखो धारा जो होता है सर वो धारा होगा आवेश बटा समय, है ना, तो आवेश बटा समय मतलब आवेश बटा आवर्तकाल, आवर्तकाल के समानुपाती होगा, आवर्तकाल होता है एन क्यूब बटा जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बटा एन क्यूब, क्लियर है ना। इसी प्रकार से और क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम चुंबकीय आघूर्ण की बात कर सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण क्या था, चुंबकीय आघूर्ण क्या था सर, चुंबकीय आघूर्ण से पढ़ा पढ़ा सा तो लग रहा है अपने आई इंटू एरिया कुछ बताया था शायद, आई इंटू ए बताया था, हाँ तो आई इंटू ए, आई क्या है, आई क्या है, आई तो सर धारा आया है ना, तो देख धारा जो आया है वो समानुपाती आया है जेड स्क्वायर बटा एन क्यूब के। अच्छा एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या, त्रिज्या किसके समानुपाती होती है, त्रिज्या सर पाई आर स्क्वायर सर आर जेड सर ये तो पता ही नहीं, त्रिज्या किसके समानुपाती होती है, त्रिज्या पढ़ी क्या, त्रिज्या हाँ सर पढ़ा तो था त्रिज्या, अरे हाँ सर त्रिज्या तो पढ़ा है हमने, सबसे पहले शुरुआत किससे करी थी, त्रिज्या से करी थी, त्रिज्या जो होता है वो एन स्क्वायर बटा जेड के समानुपाती होता है, तो यहां पर एन स्क्वायर बटा जेड के समानुपाती होगा, एन स्क्वायर बटा जेड के समानुपाती होगा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर एरिया लिखना मुझे पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो जब मैं यहां पर इसका स्क्वायर करूंगा बेटा तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बटा एन क्यूब इंटू एन की घात चार बटा जेड का स्क्वायर, तो ये जेड से जेड कट गया, यहां पर एक ही एन बचेगा, क्या बचा, केवल एक एन बचा, एम जो होगा वह समानुपाती होगा एन के, ठीक है। अच्छा एक बच्चा बोल रहा है ml लिखा था, बेटा ml, ml तो किसके लिए था, ml किसके लिए था, चुंबक के लिए था, अब ये छड़ चुंबक तो नहीं, गोल गोल घूम रही है तो इसमें धारा बन रही है ना, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, धारा वही कुंडली की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, तो यहां पर ये n जो m जो है वो समानुपाती है n के। अरे बालक ये मैंने तुझे पहले भी बताया था, मैंने तुम्हें बोहर मैग्नेटॉन पढ़ाया था, याद करो पढ़ाया था बोहर मैग्नेटॉन, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि एक्चुअल में जो m होता है वो समानुपाती होता है n के, वो किसके समानुपाती होता है n के, ये सारी चर्चाएं हमने कब करी थी, जब हमने चुंबक के बारे में पढ़ा था और चुंबक की कहानी समझी थी, ठीक है, अभी के लिए बस हम याद रख सकते हैं m जो होगा वो समानुपाती होगा n के। साथ ही साथ अगर मुझे इसका चुंबकीय क्षेत्र देखना तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे देख सकता हूं, देखो चुंबकीय क्षेत्र जो देखूंगा वो समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा समानुपाती होगा आई बटा आर के, है ना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में टू आर होगा, अरे गोल गोल घूम रहा है तो म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, चुंबकीय क्षेत्र तो आई क्या है, आई जो है सर वो समानुपाती आया है जेड स्क्वायर बटा एन क्यूब के, और जो आर आया है आर, आर किसके समानुपाती आता है सर एन स्क्वायर बटा जेड के, तो जेड जेड मल्टीप्लाई होंगे तो यहां पर जेड क्यूब बना देंगे और एन की घात पांच बना देंगे, यहां पर ये आंसर दे देंगे, क्लियर है, तो ये बी का मान आ जाएगा, आया समझ में, क्लियर है इतना सभी को, तो ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और कहानियों के साथ, अब इसमें हमें फोटोन की कहानी पढ़नी है ना, और साथ ही साथ हमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एनर्जी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना पड़ेगी, ऊर्जा के ऊपर। तो जैसे मान के चलो मैंने बोला कि यहां पर है ना, यहां पर मेरे पास, चलो लेट्स यूज टेक्नोलॉजी वंस अगेन, मेरे पास यहां पर क्या है भैया, एक कोई एनेथ शेल है, क्या है, कोई एनेथ शेल है, अब इसमें यहां पर इस एनेथ शेल में है ना, एक गोले में से एक और गोला निकाल दिया, थोड़ा छोटा कर दिया इसको हमने, है ना, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस अनंत शैल में कोई अनंत शैल है ना, कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो सकती है, तो ऐसे में तीन चार शैल बनाना चाह रहा हूं, तो यहां पर ये एक और शैल है,
ठीक है। इसके अलावा ऐसी तीन चार शेल होगी, ऑब्वियसली बात है सर एटम है तो उसके पास और शेल्स होंगी ही होंगी। तो यहां पर, यहां पर अब हम और क्या समझ सकते हैं, एक बार हम शेल बना लेते हैं फटाफट। देखो तो अब मैं इनकी ऊर्जा लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं, ऊर्जा। चलो तीन ही बनाते हैं। तो अब यहां पर इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में यहां पर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ये एन वन होगी, फर्स्ट शेल होगा, ये एन टू होगा, है ना, ये एन टू होगा, ये एन टू होगा, ये एन थ्री होगा। तो यहां पर ये तीन शेल होगी, क्या होगी, तीन शेल होगी। तो अब इसमें अगर मैं तुमसे बोलू कि फर्स्ट ऑर्बिटल में यहां पर n बराबर वन पर, और मान के चलो मैं h एटम की बात करी, अब सब कुछ h एटम की ही बात करेंगे, तो मैंने सोचा यार यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके पास ऊर्जा कितनी है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके पास ऊर्जा कितनी। देखो इसके पास ऊर्जा तो न्यूनतम ऊर्जा है ना, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्बिटल में है, क्योंकि नेगेटिव में नंबर जितना आएगा वो कम ही आएगा, मतलब अगर मान के जो नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर आया वो कम है। इसे एक बार निकाल के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिटल में एनर्जी की बात करूं, सर आपने बताया -13.6 एन स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पर एटम की बात करूं, एच एटम की, तो जेड तो हो गया मेरा वन, जेड क्या हो गया वन, तो यहां पर हो जाएगा -13.6 बटे में एक का स्क्वायर, मतलब हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहां पर जो बेटा ये एनर्जी याद होनी चाहिए ना, अब हम बहुत ज्यादा काम की बातों की तरफ जा रहे हैं जिसपे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां पर ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमें पग पग पर काम आएगा। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो फर्स्ट ऑर्बिटल में एनर्जी होती है हाइड्रोजन की। अगर लिथियम होगा तो उसके लिए अलग होगी, हीलियम होगा तो उसके लिए अलग होगी, हर एक एटम के लिए अलग अलग होगी, उनका जेड का मान अलग अलग आएगा। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं सेकंड ऑर्बिटल की बात करूं तो मैं लिखूंगा -13.6, जेड का मान बना चुका है एन का स्क्वायर, मतलब यहां पर दो का स्क्वायर हो जाएगा, तो दो का स्क्वायर चार हो गया, तो -13.6 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा सर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अच्छा, ये जो एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वह इससे कम है या ज्यादा है, सर ये माइनस में, -13 या -3 है, तो ये वाली एनर्जी जो है वो और ज्यादा है। जैसे जैसे दूर जा रहे तो एनर्जी बढ़ती जा रही है ना, तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, बिल्कुल। अच्छा, E3 क्या होगा, E3 हो जाएगा सर, ये -13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, मतलब 9 हो गया, तो -13.6 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा बेटा, जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू आएगी, ये कितनी होगी, ये -1.5। अच्छा, पहला जवाब आया -1.5, और बच्चे बताओ जल्दी जल्दी क्या आएगा ये, हाँ -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, हम थोड़ा दो डिजिट तक जाना चाहेंगे। ये वैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होता है, ये फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, और ये एनर्जीज हमें याद भी होनी चाहिए क्योंकि ये हर जगह लगेंगी, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब तीसरे के बाद में चौथे का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। E4 क्या आएगा, E4 जो आएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, मतलब सर 16 हो गया, ठीक है, -13.6 डिवाइडेड बाय 16 कितना आएगा जल्दी से बताओ, -13.6 डिवाइडेड बाय 16 कितना आएगा, कितना आएगा ये जल्दी से बताओ, -13.6 डिवाइडेड बाय 16 कितना आएगा, -0.85 आता है, 89 आता है, हाँ -0.8 बताओ, 85 लिखूं या 9 लिखूं मैं, ज्यादातर बच्चे 5 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 9 बोल रहे हैं, क्या लिखा जाए, 5 लिख देते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चौथे ऑर्बिटल, पांचवे ऑर्बिटल, छठे ऑर्बिटल की एनर्जी हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 लिखें। देखो यहां पर क्या होता है बेटा, है ना, यहां पे चलो 0.8 भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो इनके बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूं, डिफरेंस, है ना, डिफरेंस देखूं, अगर मैंने यहां पे डेल्टा ई,
देखा पहले वाले का, मतलब डेल्टा ई मैं देखना चाहता हूं, ये ई वन माइनस ई टू, मतलब इनके बीच में एनर्जी का कितना डिफरेंस है। तो अगर मैं किन्हीं भी दो एनर्जी के बीच में या किन्हीं भी दो यहां पर ऑर्बिटल के बीच में अगर एनर्जी का डिफरेंस देखो तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं एनर्जी का डिफरेंस जो है सर वो कैसे लिखूं, तो सर मैं डेल्टा ई जो है वो दूसरे वाले की एनर्जी ज्यादा है पहले वाले से, तो ई टू माइनस ई वन लिखूंगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बटे में एन टू का स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बटे में एन वन का स्क्वायर। तो अगर मैं चाहूं तो इसे क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से 13.6 जो है वो कॉमन ले लूं मैं, और यहां पर बचेगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ये e2 माइनस e1 है, क्या है ये e2 माइनस e1 है, याद रखना z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले, ये आ चुका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम यहां पर सर ऑलरेडी ये निकाल भी चुके हैं एनर्जी का डिफरेंस, तो अगर मैं यहां पर तुमसे पूछूं कि एनर्जी शेल्स बनाकर पूछूं मैं तुमसे कि यार यहां पर जो एनर्जी शेल्स होंगी इसमें अगर मान के चलिए फर्स्ट एनर्जी है, ये सेकंड एनर्जी है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, ये फिफ्थ शेल है। देखो जानबूझ के मैं ऐसा बना रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इनके बीच में एनर्जी गैप जो है वो कम होता जाएगा। तो ये जो एनर्जी आती है पहले वाले की एनर्जी जो आई बेटा हमारी, ये हमें याद होना चाहिए आधी नींद में भी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे वाले की जो एनर्जी आई है सर माइनस 3.4, माइनस 1.5, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इनके बीच में डिफरेंस निकाले तो देखो यहां पर जो डेल्टा ई होगा वो कितना होगा सर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। क्या बोलती है जनता, क्या सही है ये, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा जल्दी से बता दो भैया, कितना आएगा डिफरेंस। पहला जो डिफरेंस आता है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, दूसरा डिफरेंस कितना आएगा, कितना डिफरेंस आएगा, 1.9, हाँ 1.89 या 1.9 बोल सकते हैं, 1.89 लिखते हैं हम, ज्यादा बेहतर है, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। फिर इसी प्रकार से तीसरा डिफरेंस, चौथा डिफरेंस, डिफरेंस जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कम होता जाएगा, और यहां पर ये जो एनर्जी डिफरेंस है यही एक्चुअल में चाहिए किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिटल से सेकंड, सेकंड ऑर्बिटल से थर्ड, थर्ड ऑर्बिटल से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स्थ जाने में। और ये जो एनर्जी है कौन दे सकता है, हमारा तुम्हारा हम सब का प्यारा फोटोन, कौन दे सकता है, फोटोन। तो फोटोन कितनी एनर्जी देगा वह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी का जो डिफरेंस है वो, ये जो डिफरेंस है वो कौन देगा, फोटोन देगा, और जो फोटोन की एनर्जी होगी वो hc/λ होगी। तो इसको हम hc/λ करके यहां से हम देख सकते हैं कि फोटोन जो एनर्जी देगा उसका लैम्डा क्या होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, जो हम कहां डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। एनर्जी कौन देगा, फोटोन, और फोटोन एनर्जी कहां से देगा वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है कहानी, किसी को कुछ डाउट, आप नेक्स्ट क्लास में क्या बता दीजिए, पीडीएफ जल्दी डलवा दीजिए। अच्छा ठीक है, पीडीएफ जल्दी डलवा देंगे। और कोई समस्या, और कुछ डाउट, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। एनर्जी डिफरेंस बेटा मैंने कैसे निकाला, एनर्जी डिफरेंस मैंने इन सब की एनर्जी निकाली थी, देख फर्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी निकाली, सेकंड की निकाली, थर्ड की निकाली, फोर्थ की निकाली, अब फिर उनका डिफरेंस माइनस किया, इन दोनों को माइनस कर लिया ना, 13.6 माइनस 3.4 करो,
ठीक है, फिर इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, बस क्लियर है। हाँ, केमिस्ट्री का रिवीजन हो गया, मैंने तो तुम्हें बोला ही था पहले कि पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलो बेटा, तो आज की क्लास के लिए अभी हम इतना ही रखते हैं, है ना। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे। अच्छा हाँ, कुछ डाउट है बेटा, लेकिन अभी एक और क्लास होने वाली है, तो इसलिए अब हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे जो भी बचा होगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज करवा कर लेना। मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए बेटा से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट लाइव में। हाँ तो भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग प्रकृति कुशवा, गुड इवनिंग स्नेहा, राहुल गुड इवनिंग। चलो भैया, क्या हाल चाल सभी के? हाँ बेटा नमस्कार। हाउस द जोश? हाँ कमांडोस, हाउस द जोश? प्रणाम बेटा, प्रणाम, मस्त। चलो सही है। हाँ बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो, तो परमाणु हम पढ़ रहे थे, है ना, जो हमने पढ़ ही लिया था ऑलमोस्ट। ठीक है, इसमें आज हमको कैलकुलेशन करना है ना, मतलब कैलकुलेशन मतलब क्वेश्चंस करेंगे हम, कैलकुलेशन वाले थोड़े बहुत। और साथ ही साथ इसमें एक दो और इंपॉर्टेंट सी बातें बची हुई थी, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताई भी थी, पिछली क्लास में, उसी को और थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहाँ पर जो बातें करने वाले वो स्पेक्ट्रम की या वर्णक्रम श्रेणी की बातें करेंगे, फिर परमाणु संघट एक नई बात देखेंगे और महत्वपूर्ण उदाहरण करेंगे आज हम क्लास में। ठीक है, हाँ भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अच्छा, फुल ऑन जोश है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। हाँ बेटा नमस्कार, नमस्कार राकेश सूर्यवंशी, गुड इवनिंग बेटा। चल हाँ, तो हम कहानी शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग मानसी बेटा, हम एच परमाणु के बारे में पढ़ना चाहते हैं। हाँ मनल बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अब एच परमाणु के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, थोड़ा सा एक बार हम देख लेते। अच्छा चलो, तुम लोग ही बता दो। सबसे पहले हमने वेग देखा था, तो वेग किसके समानुपाती था, वेग किसके समानुपाती था, कमेंट में लिखो। वी डैश किसके समानुपाती होगा, आर किसके समानुपाती था, ऊर्जा क्या होती थी, है ना। बस यही तीन से हमें अभी ज्यादा मतलब रहने वाला है, और इसी पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे भी जाते हैं। अगर ये तीन आते तो हम बाकी सब भी निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए, बताइए क्या होगा, क्या होगा। सर पहले तो मैं आपसे, अच्छा हाँ अंशिका बेटा, आपने सबसे पहले नमस्कार किया था क्या, वो सबसे नीचे चले गया था ना, बहुत सारे बच्चों ने तो पढ़ दिया। अच्छा, वी बराबर जेड बटा एन, बिल्कुल सही बात, वी बराबर होता है जेड बटा एन, है ना। जितने ज्यादा एन होगा उतना ज्यादा वेग होगा, और जितनी दूर वाली ऑर्बिटल में होगा उतना कम वेग हो जाएगा। ठीक है, हाँ आर जो होगा वह एन स्क्वायर बटा जेड होगा, और ई जो होगा वो माइनस 13.6, हाँ क्या पढ़ा था, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, वेरी गुड, तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ई। अच्छा, फिर इसमें हमने ऊर्जा में परिवर्तन भी देखा था ना, हमने जैसे देखा था कि अगर सर एच की बात करें तो माइनस 13.6 होगा, फिर माइनस 10.2 होगा, है ना, फिर इसी प्रकार से, और आगे एनर्जी लेवल्स की बातें करी थी हमने। तो इसमें हमने ये देखा था कि अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल तक जब भी एक इलेक्ट्रॉन कूद कर जाएगा, या कूद कर जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए, है ना, और आएगा तो एनर्जी देगा। तो यहां पे ऊर्जा का जो या एनर्जी का जो चेंज था वो क्या लिखा था हमने, वो सर हम आसानी से लिख सकते हैं, दिस इज माइनस, दिस विल बी 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय एन वन का स्क्वायर माइनस एन टू का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, अरे देख लिया था हाँ कि ना। ठीक है, चलिए अब इसमें हमें क्या देखना है, अब हमें थोड़ी सी फोटोन की कहानी समझनी होगी। इसमें फोटोन की कहानी क्या होती है, है ना, फोटोन की कहानी क्या होती है, फोटोन की कहानी कुछ ऐसी होती है कि अगर मान के चलो, है ना, वैसे मैंने ये आपको लास्ट टाइम बता भी दिया था, बस एक बार थोड़ा सा फास्ट में रिविजन करवा देता हूँ, है ना। मैंने बोला था कि यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन को कूद कर ऊपर जाना है तो उसको चाहिए एनर्जी, तो इसको, इसका भाई कौन है भैया, फोटोन, फोटोन देगा इलेक्ट्रॉन
लेगा। तो फोटोन को, अगर इलेक्ट्रॉन को एक n1 से n2 लेवल तक जंप करवाना है तो फोटोन कितनी ऊर्जा का होना चाहिए? सर ये तो कॉमन सेंस की बात है, जितनी ऊर्जा इसको चाहिए उतनी ऊर्जा का फोटोन होना चाहिए। ठीक है, तो फोटोन जो है, फोटोन की ऊर्जा क्या लिख सकते हैं? सर फोटोन की ऊर्जा हम लिख सकते हैं hc बटा लैम्डा। क्या लिख सकते हैं? hc बटा लैम्डा। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं यहां पे इसको की वैल्यू रख दूं तो यहां से क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा hc बटे में लैम्डा, है ना। अच्छा अब आप चाहो तो इसको ऊर्जा को पूरा पूरा, जैसे हमने पूरे टर्म्स में, है ना, जेड ई पाई, उसके बाद में ई स्क्वायर ई के टर्म्स में और एम, इन सब का उपयोग करते हुए जो 13.6 निकाला था उसके बेसिक टर्म्स में भी रख सकते हो। तो यहां से जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा hc बटा लैम्डा, ये हो जाएगा चेंज इन एनर्जी, या 13.6 z square by 1 by n1 का square minus 1 by n2 का square। ठीक है, वैसे हमें यहाँ पे 13.6 नहीं रखना चाहिए, हमें पूरा पूरा पद रखना पड़ेगा, है ना। लेकिन अभी हम उसमें, हम लास्ट टाइम वैसे कर चुके हैं, हम इससे जो बात बनती है उसकी तरफ जाना चाहते हैं। तो ये hc को अगर हम डिवाइड में ले जाए, hc को हम डिवाइड में ले जाए तो यहाँ पे 1 by lambda आ जाएगा, और ये 1 by lambda आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, hc जो है पूरे के डिवाइड में चले जाएगा। तो यहाँ पे जो नियतांक बनता है उसे हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, जिसे हम r, r से या rb से चिन्हित करेंगे, है ना। और क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा सर 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर। तो यहां से हमारे को कितने लैम्डा का फोटोन चाहिए वो पता चल जाएगा। ठीक है, कितने लैम्डा का फोटोन चाहिए, मतलब ये एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक ये इलेक्ट्रॉन को उठाकर ले जाना है तो कितने लैम्डा का फोटोन चाहिए, या उल्टा क्या कि यहां पर अगर ये एनर्जी लेवल से क्या है भैया, एनर्जी लेवल से, है ना। तो यहां पे कुछ एनर्जी लेवल से, है ना, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं हम। चलो तो ये कुछ एनर्जी लेवल से, तो यहां पर ये पहला एनर्जी लेवल है, फिर उसके बाद में एक और एनर्जी लेवल बना देते हैं हम यहां पर, ठीक है, और एनर्जी लेवल बना देते हैं। तो किसी भी एनर्जी लेवल से, लो ये एनर्जी लेवल उठ कर चले गया, हाँ, तो किसी भी एनर्जी लेवल से, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक अगर इलेक्ट्रॉन नीचे गिरता है तो फोटोन एमिट करेगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे गिरता है तो फोटोन एमिट करेगा, ठीक है। तो यहां पर वो जो फोटोन एमिट करेगा वो फोटोन की वेवलेंथ भी हम यही निकाल सकते हैं किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल तक जंप कर रहा है, ठीक है। अच्छा इसी में मैं अगर आपसे पूछूं कि यार ये बताओ कि अगर फोटोन जो है जैसे ये थोड़ा सा केमिस्ट्री में पढ़ते हो, अभी फिजिक्स में पूछा तो नहीं गया कभी, लेकिन ठीक है पूछा जा सकता है ना, एम्स वगैरह में इस प्रकार के सवाल पूछे जरूर गए हैं छोटे मोटे से, नीट वगैरह में कभी नहीं पूछा है ना। लेकिन बिल्कुल बेसिक सी बात कि अगर मान के चलो कि यहां पर एक एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ठीक है, फिर उसी प्रकार से ये एक और तीसरा एनर्जी लेवल है, ठीक है, तो नीचे जाने पर गैप बढ़ते जाएगा, ठीक है, फिर ये चौथा एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये ऐसे ही मतलब मान के चलो कुछ पांचवा छठा सातवां एनर्जी लेवल में गैप बोलता जा रहा हूं, ऐसे कुछ एनर्जी गैप्स होती जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ बेटा कि इसमें सब में, इन सभी एनर्जी लेवल्स में आपको ये बताना है कि अगर मान के चलो इलेक्ट्रॉन जो है वह किसी भी nth एनर्जी लेवल से, है ना, ये nth एनर्जी लेवल से n बराबर 1 तक आया, यहां से देख तो ये क्या होगा सर, या तो ये सीधे कूद कर आ जाए, है ना, तो इसके पास क्या क्या चाह रहे, या तो सीधे कूद कर आ जाए, या सर ये यहां से यहां कूदे, फिर उसके बाद में यहां कूदे, फिर ये यहां कूदे, या फिर ये एकदम स्ट्रेट कूद कर आ जाए, या फिर सर ये यहां से यहां कूद जाए, फिर यहां कूद जाए, ठीक है, या यहां से यहां कूदे, ऐसे इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो ये जब यहां पर कूद कर वापस आएगा, है ना, रेखा बेटा शांत हो जाओ ना, ये परमाणु चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, ना परमाणु चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का। देखो तो यहां पर अगर ये किसी भी nth लेवल से नीचे कूद कर आता है तो ये कुछ फोटॉन्स एमिट करेगा, तो जो फोटोन एमिट करेगा तो उनको अगर हम, जैसे मान के चलो मेरे पास एक कोई भी द्रव है, ना कोई भी मतलब द्रव्य ले लिया मैंने, और उस पर मैंने यहां पर जैसे एच गैस ही ले ली, है ना, एच गैस ले ली,
हाइड्रोजन गैस, तो उसमें मैंने लाइट फेंकी, तो लाइट फेंकी तो उसकी वजह से क्या होगा, फोटॉन्स कुछ ना कुछ एनर्जी लेके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, अपने हायर एनर्जी लेवल्स तक कूद जाएंगे। फिर उसके बाद में फोटॉन्स सब नीचे लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे, तो वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वेवलेंस देंगे, है ना। तो यहां पर जो वेवलेंस देंगे, तो अगर मैं यहां पर इन सबसे जो निकलने वाला फोटोन है उसको यहां स्क्रीन पर कैद कर लूं, तो मुझे यहां पर कुछ लाइंस दिखाई देंगे ना, कुछ रंग दिखाई देंगे, तो इन्हीं को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं या स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं, है ना। ये ऐसा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो यहां पर जो श्रेणी होती है वो लाइमन, बार्मन, पाशन, ब्रैकेट और पीफंट, सब पांच प्रकार की श्रेणियां संभव है जिनके बारे में अभी हमें चर्चा करनी है, ठीक है। अच्छा, अब वो श्रेणियों के अंदर हम चर्चा करने जाए, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि ये किसी भी nth ऑर्बिटल से पहली ऑर्बिटल में जब कूद कर आ रहा है, किसी भी nth ऑर्बिटल से पहली ऑर्बिटल में कूद कर आ रहा है, तो यहां पर है ना, यहां पर किसी भी nth ऑर्बिटल से पहली ऑर्बिटल में कूद कर आ रहा है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस देगा, इसका एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता, क्या वो फॉर्मूला आप लोगों को याद है, स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या, स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या क्या होगी, हमें वहां पर कितने फोटॉन्स मिलेंगे, कितने प्रकार के फोटॉन्स मिलेंगे, तो इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है इसका सूत्र, जैसे अगर मान के चलो वो पांचवे ऑर्बिटल से पहले ऑर्बिटल में आया, ग्राउंड स्टेट में आया, तो यहां पर कितने हमें स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलेंगी वो बताना है हमें, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलेंगी, क्या कोई बता सकता है क्या सूत्र होता है वो। अच्छा, पहला जवाब आया n, दीपिका द्वारा n इंटू एन माइनस वन बाय टू। अच्छा, और कोई, हाँ, लाइमन पाशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो बस सिंपल सी बात बता रहा हूं कि यहां पर अगर कोई भी nth ऑर्बिटल में से कूद कर आ रहा है तो क्या होगा, हाँ, तो क्या होगा, n इंटू एन माइनस वन बाय टू, इतने स्पेक्ट्रल लाइन्स वहां पर हमें मिलेंगी, या ऐसा बोल सकते हैं इतने पॉसिबल तरीके है इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचने के, है ना। इलेक्ट्रॉन है तो यहां कूदे, फिर यहां तो सीधे कूद जाए, फिर यहां से यहां कूदे, फिर कूदे, फिर यहां से यहां कूदे, फिर यहां पर भी दो स्टेजेस में कूद जाए, ऐसे अनंत जितने n कॉम्बिनेशन से, वो है n into n minus 1 divided by 2, क्लियर है। अच्छा, अगर यहां पर ये n2 ऑर्बिटल में था और ये यहां से किसी n1 ऑर्बिटल में आया, तो n2 से n1 में आया, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, किसी n2 से n1 में आ रहा है ना, ये बिल्कुल केमिस्ट्री में जैसे बातें करी वही की वही बात करूंगा, आज मैक्सिमम क्वेश्चंस भी वैसे ही होंगे, ऐसा लगेगा केमिस्ट्री का रिवीजन हो गया उस चैप्टर का, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है बताइए, अगर n2 से n1 में आ रहा है तो, क्या होंगी। अच्छा, पहला जवाब आया राहुल कुशवाहा, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, क्या यही होगा, बिल्कुल यही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो चेक भी कर सकते हैं हम। कैसे सर, n2 को अगर हमने n रख दिया, क्या sp स्टार था इसका, इस प्रकार की चेकिंग करना मैं तुम्हें बहुत बार सिखाई है बेटा, क्या कि n2 को अगर n रख दो और n1 को अगर 1 रख दो, तो यहां पे जो फॉर्मूला है वो पुराना वाला बन जाना चाहिए। तो यहां पर क्या होएगा, यहां पर n2 माइनस n1, तो n2 माइनस n1, तो n2 की जगह अगर मैंने n रख दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा सर n माइनस वन इन टू n माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। हां सर, बिल्कुल वही बना, n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, मतलब ये वाला मेरा सूत्र सही है, ठीक है। तो यहां पर हम इसे चेक भी कर सकते हैं कि किसी भी n2, मतलब जैसे बोला पांचवे ऑर्बिटल से तीसरे ऑर्बिटल में आ गया, कितने स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगी, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है कहानी ये, इसमें किसी को कुछ डाउट तो नहीं है, मुझे उम्मीद है यार, है ना, ये सब बिल्कुल आप जो बेसिक पढ़ते हो उसी के आधार पर हमने बातें करी है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक प्रश्न कर लेते हैं हम, है ना, ये प्रश्न आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब बताएंगे, है ना, हम टाइमर भी लगाएंगे,
टाइमर के साथ सभी बच्चे जवाब बताएंगे। कहाँ गया टाइमर? हाँ मिल गया, चलो है ना। सभी बच्चों को 30 नहीं ज्यादा देते हैं, एक मिनट का समय मिलेगा और एक मिनट के समय के अंदर अंदर सभी को ये जवाब बताना है। इसमें एक से ज्यादा सही है, एक से ज्यादा सही है, है ना। हम जो कल पढ़ा उसी के आधार पर एक सवाल। हाँ बेटा, अनंत की बात नहीं कर रहे अभी हम, है ना। अनंत की बात अभी हम अलग से करेंगे। हाँ, क्या जवाब आएगा? आखिरी 30 सेकेंड। अंशिका गौर, आमिर, आमिर खान। आमिर खान है तुम्हारा नाम? आमिर खान है घर वालों ने रखा या तुमने खुद ने रख लिया? ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन गजनी देख रहे थे, आज से मैं भी आमिर खान हूं। ए एंड बी। चलो भैया, आखिरी 1 सेकंड टाइम अप हो चुका है, देखते हैं क्या जवाब आता है, है ना। यहां पर सबसे पहली बात तो उसने बोला लिथियम परमाणु। लिथियम परमाणु मतलब हो गया Li, है ना। यहां पर द्वि आयनिक मतलब इसका जो Z है वो 3 है, लिथियम है तो Z हो गया है 3। सबसे पहली बात Z हो गया इसका 3, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात बोलिए कि एक इलेक्ट्रॉन का तृतीय कक्षा में कोणीय संवेग। अच्छा, कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग होता है सर L बराबर NH अपॉन में 2π। क्या होता है? NH अपॉन में 2π। तो यहां पर अगर NH अपॉन में 2π लेंगे तो यहां पर क्या होगा बताओ भैया? तो यहां पे N जो होगा, N का मान क्या है? N का मान क्या है? तृतीय कक्षा में, तो एक इलेक्ट्रॉन का तृतीय कक्षा में कोणीय संवेग, तो सर N का मान तो 3 है, तो L का मान क्या आना चाहिए? L का मान आना चाहिए 3H अपॉन में 2π। क्या यह सही है या गलत है? क्या यह सही है या गलत है बताओ भैया? सही है या गलत है सर? बोहर मॉडल के लिए है। हाँ हाँ बेटा, ये बोहर मॉडल के लिए ही है क्योंकि उसने बोला द्वि आयनिक, मतलब बोहर मॉडल के लिए ही है। हाँ, तो ये तो सही हो गया सर। अच्छा, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अच्छा, द्वितीय उत्तेजित अवस्था मतलब कि एन बराबर 3। देख पहले तो यह समझ, एन बराबर क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। फिर इसमें यह जेई का सवाल है ना, जेई का सवाल है, लेकिन हम कर सकते हैं, आसान आसान सी बातें है ना। तो यहां पर E का मान होता है जो -13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, है ना। देख बेटा ध्यान से, ये Li है तो यहां पे Z का मान भी रखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर -13.6 जेड। जेड का मान कितना है? जेड का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर, क्यों? तीसरी उत्तेजित अवस्था, तो ये द्वितीय उत्तेजित अवस्था मतलब कि n का मान 3 रखना पड़ेगा, तो ये भी सही हो गया सर, है ना। मतलब ये भी सही है, z का मान हम 3 रखेंगे तो ये एक कट जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब इसी प्रकार से तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल। अच्छा, तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल तो सर v का सूत्र था सर याद तो नहीं आ रहा, कुछ c बटा 137 तो था ही था। अच्छा, इसमें सर ऊपर z स्क्वायर बाय n था या n बाय z था सर? कुछ याद नहीं आ रहा, वैसे हमने देखा तो था, है ना। तो यहां पर अगर मैं v की बात करूं तो v तो बिल्कुल बेसिक होता है, वो होता है z बाय n, तो यहां पर ही हो जाएगा z बटा n, तो z बटा n होगा। तो z क्या है? z है सर 3, n क्या है? n तृतीय कक्षा, अरे सर n का मान भी तो 3 है, c/2 137 3/3, अरे सर ये भी तो सही हो गया, ये भी, ये क्या हो गया? तृतीय कक्षा में जो चाल होगी वो c/137 होगी, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट वाला भी पढ़ लेते। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के परिमाण की आधी होती है, क्या लगता है ये सही है क्या? क्या लिखा है यहां पर कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के परिमाण की आधी होती है, तो स्थितिज ऊर्जा का जो परिमाण है उसकी आधी गतिज ऊर्जा होती है, ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? ओल्ले, यहां तो सभी सही हो गए। अच्छा बताओ भैया क्या होगा?
मॉडल एक वी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए दिया हो, कैसे सही बेटा प्रकृति, बेटा बोहर का मॉडल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो ही सही है, है ना, तो ही सही है ना। और ये वाला चौथा पॉइंट, तो ये अगर यहां पर द्वितीय उत्तेजित अवस्था हो या ना हो, गतिज ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा के परिमाण की आधी होती है ना, ये सदैव सही है, सदैव सही है। ठीक है, चलो आ समझ में ना। अच्छा हो तुम जी एडवांस का पेपर नहीं देने वाले, जे एडवांस वाले मतलब खतरनाक होते हैं ये इन मामलों में, है ना। क्या करते हैं कि जैसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया, फिर उसमें बोलते हैं कि ये है क्वेश्चन चार नंबर का, कितना है चार नंबर का, ठीक है, फिर उसमें पार्शियल मार्किंग कर देते हैं कि अगर इसमें चार ऑप्शन सही थे और तुमने चारों के चारों लगा दिए तो तुम्हें चार नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया कि सर चार ऑप्शन सही थे लेकिन तुमने लगाए दो ही, तो तुम्हें दो के नंबर मिलेंगे और दो का नेगेटिव भी मिलेगा तुम्हें, है ना, वो नेगेटिव मार्किंग भी होती है उसमें, मल्टीपल चॉइस में भी नेगेटिव मार्किंग। चलो भैया, तो ये फोटोन की तरंग दैर्ध्य के ऊपर मैंने जो अभी बातें बताई तुमको, वही सब कुछ हमने पहले ये चर्चा कर भी ली थी अभी अभी, है ना, कि यहाँ पे जो E का मान होता है ये 13.6 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर इनटू Z, और यहाँ पर इसी पूरे नियतांक को हमने R अनंत या R लैम्डा भी बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट, है ना। तो रिडबर्ग नियतांक का मान जो होता है ना, वो ये नहीं याद रखेंगे हम, ये वाला याद रखेंगे 1.1 इंटू 10 के पावर माइनस 7 या 1.097 इंटू 10 के पावर 7 भी निकाल सकते हैं। क्लियर है कहानी, है ना। चलिए, तो ये हमने अभी अभी पूरा रिवाइज भी कर लिया, तो यहां तक किसी को कुछ डाउट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा ये फोटोन की तरंग दैर्ध्य के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में भी, मैंने अभी आपको रिवाइज भी करवा दिया, जल्दी से थम्स अप कर दो। चलिए, अब हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार के श्रेणी या H परमाणु के वर्ण क्रम श्रेणी पर आते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें ये क्या है श्रेणी का चक्कर, ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मान के चलो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी अनंत ऑर्बिटल में था, ठीक है सर, इससे अच्छा तो हाथ से ही बना लेते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी से इतना नहीं, हाथ से बढ़िया बनता है एकदम, साय। चलो, तो यहां पर अगर ये है N1, ये है N2, ये है N3, ये है N4, है ना, इसी प्रकार से N5 N6 पर लाइनें होंगी, ठीक है, मतलब ऑर्बिटल्स होंगी। अब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कूद कर अगर N1 पर आया, कहीं से भी, N2 से भी आ सकता है, N3 से भी आ सकता है, N4 से भी आ सकता है, N5 से भी आ सकता है, सीधे कूद के L1 पर आया, तो वहां पर उस कंडीशन में, है ना, कहां पर आ रहा है, N1 पर आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमें जो फोटोन मिलता है वह हम लाइमन श्रेणी का कहते हैं या लाइमन सीरीज का फोटोन कहते हैं, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, कहीं से भी आए, जैसे देखो इसको हम पहले एक बार थोड़ा सा ऐसा भी समझ सकते हैं, सारी सीरीज में ये, मतलब मेरे को लगता है आपको पता है, वैसे एक थोड़ा सा रिवीजन टाइप ही आप लोगों के लिए, कि कहीं से भी, जैसे यहां से भी कूद करा सकते हैं, यहां से भी, दूसरे से भी आ सकता है, तीसरे भी से भी, चौथे से, पांचवें, छठे से, सातवें से, कहीं से भी कूद कर अगर वो 1 पर आता है तो वो लाइमन श्रेणी कहलाता है, कहीं से भी कूद कर वो 2 पर आता है, सीधे कूदना चाहिए, सीधे 2 पर रुकना चाहिए बस, तो वो बारमर श्रेणी कहलाता है। कहीं से भी कूद कर तीसरे पे आता है तो पाषण, कहीं से भी कूद कर चौथे पे आता है तो ब्रैकेट, और कहीं से भी कूद कर पांचवे पे आता है तो पीफंड कहलाता है, पीफंड श्रेणी कहलाती है। क्लियर है ना। अच्छा सर, तो सर कहीं से भी तो सबसे न्यूनतम और अधिकतम की बात करना चाहिए हमें, तो सबसे पहले है ना इसके एक्सट्रीम लिमिट्स की बात कर लेते हैं हम, है ना। हाँ, ऊपर से नीचे आता है तो बिल्कुल सही बात। तो यहां पर अगर हम यहां पर सबसे पहले बात करें लाइमन श्रेणी की, तो लाइमन श्रेणी में जो प्रथम सदस्य होगा, प्रथम सदस्य मतलब क्या हो गया कि जो जस्ट ऊपर से कूद कर नीचे आ रहा है, तो जस्ट ऊपर से कूद कर नीचे आएगा तो उसका जो लैम्डा होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो यहां पे इसका जो लैम्डा का मान आता है बेटा, लैम्डा का मान आता है वो 3/4/3R आता है, या
इसमें अगर मैं r का मान रख दूं, r की वैल्यू रख दूं, r की वैल्यू यहां पर अगर रख दी जाए, है ना, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, r की वैल्यू 1.09 × 10⁻¹, तो वहां से ये लगभग 1216 एंस्ट्रोंग आता है ना। कुछ कुछ मान याद होने चाहिए यार आपको। लाइमन सीरीज का जो पहला सदस्य होता है वो 1216 एंस्ट्रोंग से होता है ना, उसके तरंग दैर्ध्य 1216 एमस्ट्रॉन्ग होती है, मतलब ऐसे याद कर लो कि 1000 से ऊपर है बस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं आखिरी सदस्य की बात करूं, अच्छा द्वितीय सदस्य, तृतीय सदस्य, चतुर्थ सदस्य इसमें निकाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अगर मेरे द्वितीय सदस्य निकालना है तो कहां से होगा, वो N1 से N3 तक कूदेगा, मतलब N3 से N1 पर कूदेगा, तो यहां पे उसका लैम्डा निकल जाएगा। हमें देख 99% चांसेस ये है कि अगर हमसे पूछता है तो हमें इस रूप में आंसर पूछेगा, किस रूप में, लैम्डा बराबर 9/8, लैम्डा बराबर 3r/4, इस रूप में आंसर पूछेगा, है ना, कि वहां पर जो फोटोन निकलेगा उसका लैम्डा क्या होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं इसके अंतिम सदस्य की बात करूं, अंतिम सदस्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट या सीमांत सदस्य, मतलब अनंत से इलेक्ट्रॉन आ गया, अनंत से आया है, अनंत से मतलब जो एटम के पास था भी नहीं कहीं पर, वो अनंत से अगर फर्स्ट ऑर्बिटल में कूद कर आया है, तो मैं लिख सकता हूं N2 जो होगा अनंत होगा 1/λ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये R आएगा। मतलब क्या समझता हूं मैं ये समझ सकता हूं कि यहां पर जो लाइमन सीरीज है ना, लाइमन सीरीज देख, जितना ज्यादा ऊपर से कूद कर आएगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी, ध्यान से सुनना, सुन, जितना ज्यादा ऊपर से कूद कर आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी देगा, उतनी ज्यादा एनर्जी देगा, मतलब उसका लैम्डा उतना कम हो जाएगा, उसका लैम्डा उतना कम हो जाएगा, मतलब लैम्डा की रेंज अगर मैं लाइमन के लिए बात करूं तो ये कहां से कहां तक होगी, ये हो जाएगी सर यहां पर 8, या सॉरी रेंज हो जाएगी 4r 4/3r से 1/r तक, ठीक है, ऐसा हम याद रख सकते हैं, क्लियर। ये रेंज किसकी है, यह रेंज है लाइमन की। लाइमन में जो सारी लाइंस आती है ना, ध्यान सुनना, अब लाइमन से जो सारी लाइंस आती है वो सब कोई पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रेज में जाती है, कहां जाती है, पराबैंगनी किरणों में या अल्ट्रावायलेट रेज में जाएंगी सारी लाइनें। कैसे पता, तो यहां पर हमें कैसे पता, है ना सर, देखो आपने हमें कुछ ये सब बताया था एक बार, क्या बताया था, कि सबसे पहले रेडियो वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स होती है, IR होती है, विजिबल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश होता है, फिर UV मतलब पराबैंगनी किरणें होंगी, तो यहां पर सर जैसे जैसे इधर की तरफ जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। तो अब यहां पर विजिबल लाइट जो होती है ना बेटा वो होती है, अगर इधर के जाएंगे इधर तरफ जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, लैम्डा कम हो जाएगा, मतलब यहां पर ही होती कुछ 7000 एमस्ट्रॉन्ग से 4000 एमस्ट्रॉन्ग के बीच में, ये क्या होती है, विजिबल लाइट होती है। अब अगर इसके इस अगर ऐसी लाइट जिसकी लैम्डा इससे भी कम है मतलब वो यूवी हो जाएगा, यूवी में चली जाएगी, ठीक है। तो ये आखिरी सदस्य है इसका 912 एमस्ट्रॉन्ग, मतलब ये भी क्या है, ये अभी विजिबल में नहीं आ पाया, मतलब ये भी क्या है, यह भी पराबैंगनी क्षेत्र में या अल्ट्रावायलेट रीजन में जाएगा, आया समझ में। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं बाल्मर के लिए, तो बाल्मर के लिए क्या हो जाएगा बेटा, इसमें क्या होता है कि अगर कोई कहीं से भी कूद करे, सब कुछ आपके रिवीजन के लिए लिखा हुआ है, है ना, मैं इसमें सीधे सीधे थोड़े आंसर्स बताना चाहता हूं, क्या कि यहां पर अगर कहीं से भी कूद कर N2 पर आता है, 3 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा, अनंत से कहीं से भी कूद कर N2 पर आता है, तो वो सीरीज को क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज को सभी लोग स्टार करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, क्योंकि इतिहास गवाह है, मैं भी गवाह हूं, इतिहास भी गवाह है इस चीज का, है ना, और सब कोई साक्षी है इस चीजों के, कि आज तक जितने सवाल पूछे गए उसमें से 90% सवाल बाल्मर सीरीज के ऊपर है, केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, कुछ भी ले लो, 90% सवाल जो है वह बाल्मर सीरीज से है, ठीक है। चलो, फिजिक्स में लिखना जरूरी है कि नहीं, फिजिक्स में बेटा एक बार बस लिख ले, कि यहां पर पूरी थ्योरी नहीं भी लिखेगा तो, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख ले, पहला सदस्य कहां था, दूसरा सदस्य कहां था, अंतिम सदस्य कहां से कहां तक था, ये सारी बातें लिखना इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा कैलकुलेशन नहीं, लेकिन सदस्य कहां से कहां तक है वो लिखना पड़ेगा।
ठीक है चलिए। तो यहां पर अगर मैं इसके पहले सदस्य की बात करूं तो प्रथम सदस्य जो कहां होगा, देख प्रथम मतलब जस्ट ऊपर वाला, तो जस्ट ऊपर वाला जो आ रहा है ना, अब देख इसका लैम्डा बढ़ गया है, लैम्डा बढ़ गया है या लैम्डा बढ़ गया मतलब एनर्जी कम होगी, मतलब शायद ये विजिबल में आ जाए, देखते हैं। तो यहां पर जो पहला सदस्य आया सर ये आया है A656563, या हम इसे 36/5/4 लैम्डा वाला याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको सर्कल करते जा रहा हूं मैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो आखिरी सदस्य होगा इसका वो 4/r होगा, क्या होगा 4/r होगा, या हम इसे 63646 लैम्डा लिख सकते हैं, है ना। मतलब कि यह श्रेणी दृश्य व पैराबैंगनी क्षेत्र के निकट होती है ना, क्यों, क्योंकि हमारे जो दृश्य क्षेत्र है वो कहां था सर, वो था 4000 से 7000, यह है 6500 से 3500, मतलब ये दृश्य में ही है एक तरीके से, है ना। ये मैक्सिमम कहां है, मैक्सिमम जो है वो हमारा जो दृश्य क्षेत्र है उसी के अंदर अंदर इसका लैम्डा है ना, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये दिखाई भी देती है और इससे जुड़े बहुत सारे सवाल भी हमें करना होंगे, है ना। तो याद रखना है हमें, तो इसमें क्या क्या याद रखेंगे सर, इसका लैम्डा कहां से कहां तक होता है, ठीक है, और इसमें यहां पर 2 पर आना है, मतलब कहीं से भी आना है लेकिन 2 पर आना है, क्लियर है कहानी। इसी प्रकार से हम पाषण की बातें कर सकते हैं, है ना। पाषण के बारे में ज्यादा थोड़ा समय मतलब कम व्यतीत करते हुए हम बस इतनी इंपॉर्टेंट बातें कर देते हैं कि इनमें इसमें होता क्या क्या है, है ना। तो अगर मैं इसमें इसके पहले सदस्य की बात करूं, है ना, अच्छा इस प्रकार के फॉर्मूले भी अपने केमिस्ट्री में वैसे लिखे होते हैं, है ना, क्योंकि हमने भी केमिस्ट्री में पढ़े होते हैं पहले भी, कि ये 1/3 का स्क्वायर लिख दिया, 3 का स्क्वायर मतलब ये पाषण के लिए, 1 का स्क्वायर लगता तो बाल्मर के लिए, 2 का लाइमन के लिए 2 का स्क्वायर लिखता, तो यहां पर, अरे यहां पर बोल रहा हूं कहां पर आ रहा है, तो यहां 3 का स्क्वायर और यहां कहीं से भी आ सकता है, N2 का मान कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखना चाहता तो क्या ऐसा लिख सकता था, देखो ध्यान से, ये सूत्र है, ये सूत्र क्या है, ये 1/λ का सूत्र है, किसके लिए सूत्र है, अबे ये कोई ये फार्मूला थोड़ी ना, ऐसा मैं तुम्हें बेवकूफ थोड़ी ना बनाऊंगा ऐसा, और देख बाल्मर का फॉर्मूला ये रहा, है ना, ऐसा कोई नहीं पढ़ता कि ये यहाँ पर ये बाल्मर का फॉर्मूला है, ये लाइमन का फॉर्मूला है, इसको देख ले, है ना, यहाँ पर लाइमन का फॉर्मूला बताता हूँ मैं तुमको, देख 1/λ आर इन्फिनिटी 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर, अबे मूर्ख हो क्या, है ना, ऐसा क्या 50 फॉर्मूला याद करोगे क्या, लाइमन का फॉर्मूला क्या होता है, पाषण का फॉर्मूला क्या होता है, बाल्मर का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं होता, यही सब एक ही फॉर्मूला है, उसे पहले पे को देगा तो N1 का मान 1 रखना पड़ेगा, दूसरे पे को देगा तो N1 का मान 2 रखना पड़ेगा, कहीं से भी आ सकता है, है ना। इसी प्रकार से तीसरे पर कूद कर आएगा, कहाँ आया, आया तीसरे पे कूद कर आएगा, तो यहां पर N2 कुछ भी हो सकता है, N1 मेरे लिए अब 3 हो गया है, आई बात समझ में, है ना। तो अब इसके अगर मैं प्रथम सदस्य की बात करूं तो यहां पर प्रथम सदस्य के लिए क्या बात कर सकते हैं सर, ये हो जाएगा 1/λ, है ना, यहां पर एक बार लिख देते हैं, प्रथम सदस्य हो जाएगा 1/λ, प्रथम सदस्य जो होगा 1/λ आर इंटू 1/9 माइनस, अच्छा ये कहां से आ गया, ये 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, है ना, हाइड्रोजन के लिए बातें कर रहे हैं सब, ये आर इंफिनिटी लिख रहे हैं, तो ये प्रथम सदस्य आ जाएगा, तो प्रथम सदस्य क्या आ जाएगा, ये 1/λ आ जाएगा, ये हो जाएगा आर इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा 1/9 माइनस 1/16, सॉल्व कर ले, क्या कर लेते हैं सर सॉल्व, अच्छा हाँ सॉरी तो बहुत मुश्किल हो गया, 99 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 9 और 16 का एलसीएम कितना आएगा जल्दी बताओ सर, नहीं सोच पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 9 × 16 रख ले, यहाँ पर लिख ले 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 करेगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो सर यहाँ पे लैम्डा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16 × 9/7 आर इन्फिनिटी, ठीक है, अच्छा ये कितना आएगा, 9 × 16 कितना होता है, 16 9 से कितना होता है, गई भैंस पानी में सर, 16 का तो पहाड़ा ही नहीं आता, अबे 16 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन 16 × 10 तो तुमको पता ना 160 होता है, उसमें से 16 को घटा ले, अभी भी नहीं घटा पा रहे, अभी भी नहीं घटा पा रहे, जल्दी घटाओ कितना आएगा, कितना आएगा, अरे जल्दी बताओ, हाँ 144 पहला ऑप्शन आया है, हाँ ये कितना हो जाएगा 1, ये देखो ये सबूत है इस चीज का कि मेरे को याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं निकाल भी सकता हूं इन सबको,
ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लड़ाऊंगा तो मेरे को कुछ भी दे वो मैं निकाल सकता हूं। क्लियर है? ऐसे अगर मैं इसके सीमांत सदस्य की बात करूं, है ना, ये प्रथम था, सीमांत क्या होगा, तो सीमांत में क्या लिख सकते सर, मतलब ये मेरा ये n2 जो है या n2 जो है वो अनंत हो जाए, तो यहां पर हो जाएगा एक बटा लैम्डा बराबर r इन्फिनिटी 1 बाय 3 का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो लैम्डा हो जाएगा 9 बाय r। ठीक है, तो ये मैं ऐसे ऐसे रेंज बता, देखिए यहां से यहां तक होना चाहिए, है ना। अब ये जो है ये क्या होगा, ये सब कुछ इंफ्रारेड में जाएगा, अवरक्त क्षेत्र इंफ्रारेड रेडिएशन में जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो सब है वो इंफ्रारेड में ही जाएंगे। ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में कहां पर आना है भैया, चौथे पर आना है, तो चौथे पर आना है तो इसके लिए वाला सूत्र लगा लेंगे पहले। अब चाहो तो इसमें देख सकते हैं हम कि पहला सदस्य क्या होगा, अंतिम सदस्य क्या होगा। चलो एक बार तुम लोग मुझे कैलकुलेट बता करके बता दो जल्दी से। इसका प्रथम सदस्य मैं बोर्ड पे सॉल्व नहीं करूंगा, इसका प्रथम सदस्य कहां से कहां तक होगा और अंतिम सदस्य कहां से कहां तक होगा, या सीमांत सदस्य कहां से कहां तक होगा, कहां पर होगा, सीमांत सदस्य कहां होगा जल्दी से बताओ बालक, है ना, आसान सा कैलकुलेशन। चार सौ पटा नौ आर, देखो जो आंसर आएगा मैं लिख दूंगा, मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं पता आंसर क्या है, तुम लोग ही बताओगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, आज से जो बताओगे वही हो जाएगा, है ना। मतलब तुम अगर और भी कुछ बताओगे तो भी वही दुनिया मानेगी, आज से ऐसा सोचो कि आज हो तुम, तुम्हारे तुम्हारे पेन में अद्भुत शक्ति आ चुकी है, जो तुम बोलोगे वही होगा आज से, जो तुमने लिख दिया आंसर वही आएगा, है ना सर, पेन नहीं है टाइप कर रहे, हाँ, तो तुम्हारे हाथों में एक अद्भुत शक्ति है। लास्ट का 16/r, चलो देखते हैं क्या यही आएगा, 16/r तो सही है, अरे ये तो सही है ना, ये 1/4 का 16 होता, सही है तो ठीक है, चलो ये वाला सही है। बताओ भैया 1/16 - 1/25, तो 16 और 25 कर लो, नीचे 16 × 25 करोगे तो ये कुछ आ जाएगा। ठीक है, दोनों राइट है, बिल्कुल सही, ब्यूटी कुमारी क्या बोल रही है सर, कुछ भी नहीं बेटा, ऐसा कैसे कुछ भी, ऐसा कैसे कुछ भी है, हम में शक्ति, हम जो बोलेंगे वही होगा, है ना, हमने बोला हमारा सिलेक्शन नीट में होएगा मतलब होएगा, मैं डॉक्टर बनूंगा मतलब मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना, हमारे अंदर अद्भुत शक्तियां है यार, पहचानो उस चीजों को, है ना, अगर तुमने सोच लिया कि नहीं मुझे करना है मतलब करना है तो मतलब हो जाएगा वो, ठीक है ना, अगर तुम्हारे अंदर संकल्प होना चाहिए कि नहीं मेरे को करना है मतलब करना है ना, चाहे जो हो जाए, ठीक है, जैसे अभी मैं तुम्हें बता ना, नीट का रिजल्ट आएगा तो एक दो बढ़िया बच्चे आएंगे, तो एक बच्चा मेरे मतलब मैंने उसको जयपुर में पढ़ा था क्लास 11th में, ठीक है, तो उसका है उसके जो रैंक है 596 रैंक है ना, तो भाई रैंकर जो टॉपर होता है ना वो ऐसा ही होता है ना, उसके मन में भी यही था, करना है मतलब करना है ना, मतलब 9th, 10th, 11th तीन साल मैंने उसे पढ़ाया था, तो उसका फिलोसॉफी यही रहती थी पूरे टाइम कि सर मैं मतलब मैंने उसको बोला कि यार तुझे ये होमवर्क करना है, तो अगर वो स्कूल भी चले जाता था फिर अगले दिन क्लास में रहता था तो ठीक है, वो पता चल जाता कि होमवर्क नहीं करा आज, ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा कभी कभार हो जाता है, लेकिन उसको पता है कि आज उसने गड़बड़ कर दी है ना, उसने आज खुद से धोखेबाजी करी है ना, तो अगर उसने खुद से धोखेबाजी करी तो भले ही वो रात भर नहीं सोएगा लेकिन अगले दिन क्लास में बैठने से पहले जो पुराना छूटा था वो सब कुछ कवर कर लेगा, ठीक है ना, तो ये संकल्प चाहिए होता है ना कि नहीं मुझे करना है मतलब करना है, आई बात समझ में,
नहीं अनामिका बेटा ये उस बच्चे का एग्जाम्पल नहीं है ना, जो बच्चे का एग्जाम्पल दिया वो तो आप सब कॉलेज में है, मैं तो उस बच्चे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो अभी 2021 के रिजल्ट का ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसको कॉलेज मिलेगा, अब देखते हैं कहाँ जोधपुर एम्स वगैरह पहुँच जाए फिर से। देखो तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं आगे पी फंड सीरीज की, पी फंड सीरीज की है ना, हाँ करना है मतलब करना है। चलिए तो यहां पर पी फंड सीरीज क्या होता है, पी फंड सीरीज क्या होता है, तो पी फंड सीरीज जो होता है ना, देखो ये यार अपने अंदर ना मैच्योरिटी होनी चाहिए खुद के अंदर, कि ऐसे बच्चों से हरकत नहीं होनी, बड़े हो गए हो तुम है ना, ये बच्चे से बच्चे हरकत करते हैं, हमको डॉक्टर बनना डॉक्टर बनना डॉक्टर बनना, ओ मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, आप जब करने की बारी आई है तो दुम दबा के घर में बैठ गए। चलो है ना, तो अब पी फंड सीरीज क्या होगी, आखिरी सीरीज होगी। तो यहां पर एक बटा मतलब यहां पर जब लिखेंगे तो N1 का मान हम लिख देंगे 5 और N2 जो है वो 6 से अनंत तक कुछ भी हो सकता है, क्लियर है ना। जैसे बचपन में सब बोलते ना, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं तो बड़ा होकर पायलट बनूंगा, मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा है ना, अब आधे वहीं स्कूल में घूम रहे, ठीक है, 2-4 साल बाद फिर भी वो वहीं कॉलोनी में घूमते रहेंगे, ठीक है। फिर याद आ रहा है बचपन में बोलना बहुत आसान था, नहीं बचपन में बोलना आसान था और अब करना ही है ना, जब बोल दिया तो करके दिखा दो। चल तो हाँ, ये भी क्या होगा, ये भी अवृत क्षेत्र में ही आता है सब कुछ, ठीक है। तो अब हमने इसके ऊपर सारी जानकारियां, यार ये जो एनर्जी लेवल्स थे इसके ऊपर मैंने अभी बात भी कर ली थी तुमसे, कि यहाँ पर ये 13-13.6, -13.4, -1.5, -0.85, -5.5, 0.54 और 0.38, ये सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनके ऊपर सारी कहानी होती है ना, जहां से जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद कर आ सकता है, ठीक है। चलो तो अब हम अभी तो आगे बढ़ते हैं, हम इस पर और भी इंपॉर्टेंट चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे जो सब कुछ मैंने बताया उसी ये वही सब कुछ आपके लिए यहाँ पर टेबल के रूप में लिखा हुआ है ना, कि यहाँ पर अगर N1, N2, N3, N4 ऐसे N अनंत तक है, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये जो कक्षा है प्रथम द्वितीय तृतीय चौथी चतुर्थ अनंत कक्षाएं होंगी है ना, और फिर उसके अंदर उत्तेजित अवस्थाएं और यहाँ पर H2 परमाणु के लिए उनकी ऊर्जा, तो -13.6, -13.4, -1.5, -0.85, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमने पढ़ा उनके लिए भी एक टेबल मैं आप लोगों के लिए बनाकर लाया हूँ, जिसमें आप ये टेबल के जरिए सब कुछ याद रख सकते हो ना। देखो यार, कॉपी के पन्नों में अगर चीजें तुम्हारी अभी भी लिखी हुई है, अभी भी दबी हुई है, तो उन्हें बाहर निकालो है ना। मैंने तुम्हें जितना भी फिजिक्स पढ़ाया, जो भी सारी चीजें मैं पढ़ाता हूँ, उनमें या तो जो भी पूरा कंसेप्ट हो जाता है उसका एक टेबल बना लेते हैं हम, या फॉर्मूलों को बोल्ड कर लेते हैं। तो ऐसा आपको हर जगह करना होगा, हर एक चीज में है ना, इन्हें ही शॉर्ट नोट्स नामक चीज कहते हैं। क्योंकि आप अगर कॉपी के पन्ने पलटा कर हर एक चीज पूरा फिर से देखोगे तो उतना गंभीरता से रिविजन उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं देख पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 5 सीरीज कहां पर आना है, कहां से आना है, कहां दिखती है, ठीक है। तो याद रखना है कि केवल बाल्मर ही थे है ना, बार्मर ही थे जो दृश्य क्षेत्र में आए। ठीक है, तो बार्मर श्रेणी में क्या होता है, दृश्य क्षेत्र में आता है, बाकी पराबैंगनी में आते और नीचे वाले अवरक्त में आते हैं। क्लियर है कहानी है ना। अच्छा ऐसे देखो, याद रखने के ना छोटी छोटी बातें बना ली करो, जैसे खुद के नाम बना लिए, बार्मर, बार्मर तो बलराम, बलराम कौन थे, बलराम कौन थे, हाँ बामर है ना, बामर है ना, बलराम कौन थे, तो ये एक जो बामर है, बामर को छोड़ो, बामर फॉरेन का नाम, हमारे घर का नाम है ना, बलराम, बलराम कौन थे, बलराम जी कौन थे ना, तो बलराम जी ही है इस दुनिया में, ऐसा स्टेटमेंट बना लिया, बलराम जी ही है इस दुनिया में जो हमें सत्य की अनुभूति करवा पाए है ना, जो हमें चीजें दिखा पाए। हाँ श्री कृष्ण के बड़े भाई थे ना, तो श्री कृष्ण के बड़े भाई ही हमें, ये उन्हीं की श्रेणी है जो दिखाई दे रही है, बाकी और कुछ नहीं दिखवा रहा इस दुनिया में है ना। तो अब ये हमेशा के लिए याद हो गया कि बलराम है ना, घर में जब भी श्री कृष्ण का बातें होगी या किसी भी चीज की बातें होगी तो है ना, तो यहाँ पे ऐसे नाम, अरे हाँ भैया, ठीक है,
चलो ऐसे मतलब जैसे कभी कभार मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार ये सब अंग्रेजी नाम है ना, तो जैसे गीजर है ना, तो गीजर गीजर ना, जैसे हमारे गांव में कुछ लोग गीजर, तो गीजर का नाम उन्होंने गिरिराज रख दिया, बोले अंग्रेजों के नाम नहीं चाहिए हमको, हमको हमारा देसी नाम चाहिए है ना, तो गीजर चालू कर दो, नहीं गिरिराज को बंद कर दो, गिरिराज को चालू कर दो ना, तो ऐसे कुछ अपने मन से स्टेटमेंट बना लिया करो एक छोटा सा कि इसका शुद्ध देसी भाषा में मतलब क्या होगा जो मुझे हमेशा के लिए याद रह जाए। चलो तो अब ये वही वाली बातें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखी, ये टेबल है एक बार आप कॉपी में बना लेना, जिससे क्या होगा जिससे आपको चीजें हमेशा के लिए याद रह जाएगी। जैसे देखो यार ये एक्चुअल में ये सारी बातें ना फिजिक्स में बहुत कम आ पाती है, तो इसलिए मैंने तुमको बीच में ज्यादा बता भी नहीं पाया फिजिक्स में फॉर्मूले याद करना होते, लेकिन जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हो बायो पढ़ते हो तो उन सब्जेक्ट्स में ये सारी चीजों के अपने अपने स्टेटमेंट बना लो, क्यों रटना है सीधे रटना है। ठीक, तो यहां पर अब लाइमन, लाइमन में लैम्डा मैक्स लैम्डा मीन क्या होता है वह सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, और लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मीन का अनुपात इस टेबल से, केवल इस टेबल से एम्स जी मेंस में और नीट में हर दो से तीन साल में एक सवाल आया हुआ है, इस टेबल से केवल इस टेबल से यह वैल्यू जो लिखी हुई है। ठीक है, जैसे यहां पर ये जो पाश्चन की वैल्यू लिखी हुई है, जे 19 का सवाल है मींस का, उसने लैम्डा मैक्स और लैम्डा मीन का अनुपात पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसा का ऐसा आप लिख लो एक बार कॉपी में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ये टेबल कॉपी में बनाना यार सबको। ठीक है, बाकी पूछना पुराना नहीं भी लिखोगे तो ये बनाना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम इस चैप्टर के आखिरी कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं ना, और कुछ सवाल करना चाहते हैं हम। ठीक है, अच्छा कंसेप्ट की तरफ, सवालों की तरफ बढ़े उससे पहले एक लास्ट कंसेप्ट मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं है ना। इस कंसेप्ट से वैसे नीट में तो मतलब सवाल बहुत ही कम पूछे गए, एम्स वगैरह में पहले पूछे जाते थे, लेकिन फिर भी मैं कंसेप्ट पढ़ा देता हूं है ना। और इसके अलावा इस चैप्टर में एक लास्ट बात बचती है जिसको हम कहते हैं एक्सरेज है ना, एक्सरे। तो आप किसी किताब वगैरह में देख रहे होंगे तो आपको एक्सरेज जरूर दिखी होंगी है ना, तो वो वाले पन्नों पर क्रॉस लगा दो, नीट में एक्सरे नहीं पढ़ना है हमें ना, नीट के सिलेबस में एक्सरे से सवाल नहीं आता है। ठीक है, मतलब आज तक नहीं आया, वैसे एक्सरे उसने ऐसा कभी बोला नहीं कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी भी एक्सरे का मतलब ऐसा बोला भी नहीं है, नहीं है और बोला भी नहीं है और आज तक सवाल भी नहीं पूछा है। ठीक है, तो एक्सरे से सवाल नहीं आएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो अब यहां पर हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं परमाणु संघट। परमाणु संघट या एटॉमिक कोलिजन बोला जाता है, एटॉमिक कोलिजन। ठीक है, क्या चक्कर है ये देखो बेटा, एटॉमिक कोलिजन का क्या चक्कर है, एटॉमिक कोलिजन का क्या चक्कर है यहां पर, एटॉमिक कोलिजन का क्या चक्कर है कि यहां पर अब जैसे एक मान के लो एक एटम है ना, उससे एक न्यूट्रॉन आके टकरा गया, या एक एटम था उससे आके फोटोन टकरा गया, तो हमें इसमें यह पता करना होता है। देखो 90% जो सवाल आता है उसमें, वो सवाल में पूछा जाएगा हमसे है ना कि यहां पर अगर एटॉमिक कोलिजन हो रहा है तो किस प्रकार की टक्कर हो रही है, मतलब जी में जो सवाल आता है वो ये पूछा जाता है कि किस प्रकार की टक्कर है, टक्कर या संघट के प्रकार। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम है ना, क्योंकि यही पूछेगा तो हमें पता भी होना चाहिए, तो रिवीजन छोटा सा क्या कि सबसे पहली बात सर हमें पता है एक प्रत्यास्थ टक्कर होती है, प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है सर, ये इलास्टिक होता है, बहुत ही बढ़िया, क्या होता है ये पूछ रहा हूं बेटा, इलास्टिक कोलिजन। तो सर इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इसमें इलास्टिक कोलिजन में जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा डेल्टा ई वह शून्य होगा है ना, डेल्टा ई ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, मतलब जितनी ऊर्जा पहले थी उतनी ऊर्जा बाद में भी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अच्छा फिर अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता था सर, अप्रत्यास्थ, देखो अभी हमें एक्चुअल में सारी बातें ऊर्जा को ही लिखना है ना, तो डेल्टा ई जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा है ना, और पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर इसमें क्या होता है, इसमें डेल्टा ई जो होता है वो मैक्स होता है ना,
वह चेंज इन एनर्जी जो होता है वो मैक्स होता है। अच्छा, इसमें मैंने तुम्हें ऊर्जा का सूत्र बताया हुआ है। क्या इसमें जो ऊर्जा में परिवर्तन लिखते थे हम, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। डेल्टा ई बराबर हाफ एम वन प्लस एम टू अपॉन में एम वन एम टू इंटू यू वन का स्क्वायर माइनस यू टू का स्क्वायर वन माइनस ई का स्क्वायर। सही है ये, देखो ध्यान से, सही है ये, या ऐसा था वन बाय टू है ना, ये वन मान लो ऑप्शन नंबर वन, ये मान लो ऑप्शन नंबर टू, एम वन प्लस एम टू अपॉन में एम वन एम टू यू वन माइनस यू टू का स्क्वायर वन माइनस ई का होल स्क्वायर, या ऐसा था एम वन एम टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू यू वन माइनस यू टू का स्क्वायर वन माइनस ई का स्क्वायर, या ऐसा था वन बाय एम वन प्लस एम टू अपॉन में एम वन एम टू यू वन का स्क्वायर यू वन प्लस यू टू का स्क्वायर। अच्छा नहीं, बीच में तो माइनस ही था सर, 100%। चलो ठीक है, तो बीच में माइनस ही था, चलो बताओ इन चारों में से कौन सा सही फॉर्मूला था, इन चारों में से कौन सा सही फॉर्मूला है। चार फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए, देखते हैं किसको क्या याद है। अच्छा, पहले तो यह भी सोचना पड़ेगा कि ये कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने, कौन से चैप्टर में पढ़ा था ये, जब हमने संघट पढ़ा था कार्य ऊर्जा और शक्ति में, कि जब एक एक वस्तु दूसरी वस्तु से टकराती है ना, इसलिए देखिए परमाणु संघट, तो संघट तो पता होनी चाहिए ना पहले। संघट चैप्टर में, हाँ अच्छा, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे दो, कुछ बच्चे बोल रहे चार, और फिर आए हैं कुछ बच्चे जो लगाना चाहते तुक्का है ना। चलो, नहीं पता तो भी जवाब बताना है, नहीं पता तो भी जवाब बताना है, तुक्का लगाओ इसमें, लगाओ तुक्का, क्या आएगा, सबको आंसर करना है, बताओ क्या आएगा। कुछ भी बता दो, वन टू थ्री फोर में कुछ भी दबाओ है ना। जय माता दी टू, जय माता दी फोर, नहीं नहीं सतीश बेटा, इतना इतना भी जय माता दी थोड़ी ना करना कि वन टू थ्री फोर ही दबा दिया, एक बार में एक ही बटन दबेगी है ना, वरना फिर अगर ऐसा करोगे तो तुम नीट वाले तुमको ढूंढने आएंगे कि ये तेजस्वी कौन है ना, इसके घर चलो, इसके इसे घर से अलग से मिलकर आना पड़ेगा इसे, तो ऐसा ऐसा कैसे कर लिया इसने है ना, इतना तेजस्वी कैसा हो गया। देखो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नीट के पेपर में बैठे हो ना, आप कुछ प्रैक्टिकल फील देता हूं, अब तुम भूल गए सब कुछ है ना, मान लो भूल गए, यही क्वेश्चन आ गया नीट में, क्या भरोसा है ना कि ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं नीट 2022 में आपको दिख जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसा नीट 2021 में हुआ था, अगले दिन पेपर था और मैग्नेटिज्म वाला हम क्वेश्चन कर रहे थे, मैं तुम्हें मजाक में बोल रहा था कि अरे ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, और अगले दिन 21 में 2021 के पेपर में आ गया। याद है वो दिन भी शनिवार था और वो उस दिन भी यही समय हो रहा था, 8:15 बज रहे थे और मैंने तुम्हें बोला था है ना कि ये सवाल आ सकता है, कौन सा सवाल याद करो, वो मैंने बोला था कि ये धारावाहिक चालक है, उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को वी वेग देके छोड़ दिया किस दिशा में घूमेगा और उस पर बल निकाला था, ठीक है, और वो अगले दिन आ गया था, क्या भरोसा ये भी आ जाए है ना। देखो अब मान लो तुम भूल गए सब कुछ, ठीक है, तो यार दिमाग तो है ना, कि दिमाग भी घर पे रख कर जाओगे नीट का पेपर देने जाओगे तो, ठीक है, तो ये तो समझ लो कम से कम, क्या विमीय रूप से तो सही होना चाहिए ये है ना, विमीय रूप से तो सही होना चाहिए, तो देखिए ये है सर, ये तो विमीय रूप से कैसे चेक करें, तो बेटा यहां पर अगर ये ऊर्जा है तो हाफ एम वी स्क्वायर ऊर्जा का सूत्र पढ़ा ना, अच्छा उस दिन केमिस्ट्री के टाइम पे क्लास थे क्या, ऐसा हुआ था, नहीं नहीं मुझे तो नहीं लगता ऐसा,
देखो तो यहां पर जो हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर कैसे पता करें? हाफ एम वी स्क्वायर विमीय रूप से यहां पे एम बजना चाहिए, एम एम बनना चाहिए एम। तो बेटा यहां पर विमीय रूप से 1/m है, ये भी 1/m है, ये भी 1/m है, केवल एक ही ऑप्शन में जिसमें विमीय रूप से एम है ऊपर, यह है एम गुना एम, यह नीचे इस पूरे की विमा है एम, तो एक एम से एम कटेगा, एक एम बचेगा, इसमें है ऊपर एम, नीचे है एम स्क्वायर, तो नीचे एक एम बच जाएगा, नीचे एक एम बच जाएगा, नीचे एक एम बच जाएगा। मैंने जानबूझ के चार ऑप्शन ऐसे बनाए कि अगर तुमको नहीं पता कुछ भी तो भी जो इतना एसपी स्टार चिल्ला चिल्ला के मैंने साल भर पढ़ाया तुम्हें, वो उसमें से कुछ तो याद हो तो बता सकते हो। आया कुछ याद? तो यहां पर यही ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो। हाँ भैया, तो यहां पर क्या होगा, हाफ एम वन एम टू वन एम वन प्लस एम टू यू वन माइनस यू टू का स्क्वायर वन माइनस ई का स्क्वायर। ये मैंने तुम्हें, ये देखो यार, मैं जो याद रखने का तरीका बताया था मैंने, फिर तुम्हें यार ये हुई ना बात, दिव्य जसवाल ने आज दिल खोल के जबरदस्त बात बोल दी। क्या कि ये सर आपने संधारित्र में भी बताया था, हाफ सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, यहां पर यू की जगह वहां पे विभव था वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर। और उस दिन भी मैंने बोला था कि ये संधारित्र का फॉर्मूला जो है वह संकट जैसा फॉर्मूला है, दुनिया गोल है प्यारे। ठीक है, तो अच्छा सब कुछ हटा देते हैं अब हम। तो यहां पर क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, तो ये हमारे पास नीचे लिखा हुआ है ना। देखो तो यहां पर अब हम क्या कर सकते हैं, मैं बस ये समझा रहा था तुम्हें कि ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो होगा हाफ एम वन एम टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन माइनस यू टू का स्क्वायर। ठीक है, वन माइनस ई का स्क्वायर। अब अगर ये है तो ये तो मैक्सिमम है ना, ये क्या है, मैक्सिमम। हाँ बेटा, बहुत सारे बच्चों का सही भी था, ये ऊर्जा में परिवर्तन जो है मैक्सिमम है, क्योंकि मैंने ई का मान जीरो रख दिया इसमें। अरे इसमें ई का मान जीरो होता था, इसमें ई का मान वन होता था, इसमें ई का मान जीरो से वन के बीच में होता था। ठीक है, चल तो यहां पर इसमें जो ऊर्जा में परिवर्तन है वो तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसी इसी पे आगे खेल बनाते हैं और हम इस पे संगत पढ़ना शुरू करते हैं। देखो अब क्या होगा, मैंने दो हिस्से बना दिए, क्या बना दिया कि यार यहां पे एक मेरे पास एटम है ना, उसमें अलग अलग ऊर्जाएं हैं, है ना, मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि उसमें अलग अलग शेल्स होंगी। ठीक है, अच्छा पहली वाली क्या होती है, पहली वाली जो होती है सर वो होती है 13.6, पहली वाली होती है -13.6, दूसरी वाली होती है -10.2। ठीक है ना, फिर उसके बाद में तीसरी जो होगी यहां पर, अच्छा नहीं सर, ये 1/2 होगा, अच्छा ठीक है, ये 10.2 तो उसके डिफरेंस होता है। ठीक, अच्छा एक बात, एक काम करो क्या, मेरे को वैसे मैक्सिमम जो मतलब है ना वहां पे इनके बीच में डिफरेंस ही मतलब है। डिफरेंस मतलब कौन सा डिफरेंस बोल रहा हूं मैं, यहां पर मैं इनके बीच में अंतर बोल रहा हूं, है ना, अंतर, या कौन से अंतर की बात कर रहा हूं मैं, जो ये यहां पर हमने पढ़ा 13.6, और ये अंतर से ही मतलब है मुझे अभी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं अंतर यहां पे भी लिख ही देता हूं यार एक बार, यहां पे जो अंतर होगा ये इन दोनों को घटाएंगे तो 10.2 आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों को घटाएंगे तो दूसरी और तीसरी शेल के बीच में अंतर, ये मैंने तुम्हें कल की क्लास में भी बताया था, मतलब परसों की क्लास में भी शायद हमने ये डिस्कस किया था। तो यहां पर ये जो अंतर आएगा सर, तो ये हो जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ऐसा ही आ रहा है, सही चल रहा है क्या ये वाला अंतर बताओ, ये वाला अंतर बताओ कितना होगा, ये वाला अंतर कितना होएगा? तो सर अगर ये वाला अंतर देखेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा 15 15 और 50, मतलब 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऐसे अंतर हम इनके बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 1.9 10.2 ये अंतर अंतर है हमारे पास, तो ऐसे हमें एक दो से ही मतलब है, तो 10.2 और 1.9 ही लिख रहे थे हम, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.89 या 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ठीक है, यही सब कुछ यहां पर ये जैसे हमने ये बनाया है ना, ये जो हमने बनाया है
यही का यही, यही का यही जो है वो यहां पर मैंने बना दिया एक और, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें यहां पर दोनों में क्या अंतर है ना, दोनों में क्या अंतर है। यहां पर एक में हमने क्या किया, एक में फोटॉन्स फेंके, क्या फेंके, फोटॉन्स। एक कंडीशन में फोटॉन फेंके, एक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फेंके, ठीक है। अब अलग अलग ऊर्जाओं के फोटॉन, अलग अलग ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन फेंकना होंगे हमें, ठीक है। तो यहां पर अब इसमें क्या चक्कर है, ध्यान से सुनना, समझना, जानना और पहचानना, क्या कि जब मैं फोटॉन फेंकता हूं तो फोटॉन जो है वो क्वांटम है, क्वांटाइज्ड, क्वांटम संख्या के रूप में होते हैं। मतलब एक फोटोन होता है, दो फोटोन होता है, पांच फोटोन होता है, दस फोटोन होता है, पंद्रह फोटोन होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है ना, फोटोन क्या है, फोटोन जो है वो क्वांटाइज्ड, फोटोन जो है वो क्वांटाइज्ड, ठीक है, क्वांटीकरण है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में ऐसा कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन केवल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन खुद एक पार्टिकल है, ठीक है। यहां जो घूम रहा है वो भी पार्टिकल है, यहां जो घूम रहा है वो पार्टिकल है, लेकिन ये फोटोन जो है क्वांटाइज्ड है। तो अब क्या होगा यहां पर, है ना, अब क्या होगा यहां पर, जब मान के चलो फोटोन आकर टकराया इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो अब हमें ये बिल्कुल ऐसी आसान सी बात होती है, हमसे पूछेगा कि ये जो फोटोन टकरा रहा है वो किस प्रकार की टक्कर करेगा, ठीक है, फोटोन किस प्रकार की टक्कर करेगा, ये पूछता है। तो यहां पर मान के चलो ये एक फोटोन है, ये फोटोन आया, ये फोटोन आया इसकी तरफ कुछ ऊर्जा लेके। तो अगर मान के चलो ये ऊर्जा लेकर आया दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, कितने की, लाल कलर का फोटोन, दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लेकर आया, तो क्या होगा, ये गया, ये फोटोन जिसमें गुजरा, ये गुजरा इलेक्ट्रॉन के पास से, इलेक्ट्रॉन बोला हेलो, लेगा इलेक्ट्रॉन, बोला भाई चल निकल यहां से, क्योंकि क्यों बोल दिया उसको, क्यों भगा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम नहीं लेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन माना बेवफा है, इलेक्ट्रॉन भागना चाहता है फोटोन के साथ, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि हर किसी के साथ भाग जाएगा, अबे खुद की भी तो कोई इज्जत होती है ना, ऐसे थोड़ा ना, अरे चल आया, चल तेरे साथ घूमने चलता हूं मैं, अबे हर किसी के साथ घूमने नहीं जाएंगे, है ना कुछ तो एक्स्ट्रा लेकर आना पड़ेगा ना, खुद कुछ ना कुछ तो यहां पर एनर्जी चाहिए। तो कितनी न्यूनतम चाहिए, 10.2। तो यहां पर अगर ये दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया तो ये ऐसा का ऐसा यहां से निकल जाएगा और ये निकल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर, है ना, इसकी कहानी खत्म। अब मान के चलो यहाँ पे पिंक कलर का फोटोन आया, है ना, बोलो हो पिंकी पिंकी फोटोन ये आया, ये मान के चलो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्ट लेकर आ गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्ट लेकर आ गया, तो क्या होगा, ये फोटोन जैसे ही यहां पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन और तो मेरा भाई है ना, हाँ तो वही लेकर आया जो मुझे चाहिए, है ना, तो चल मैं तेरे साथ भाग जाती हूँ। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से भागेगी, तो इलेक्ट्रॉन यहां से भागी तो ये भागकर यहां पहुंचेगी एक एनर्जी ऊपर। तो जिसने इस फोटोन से, ना देख, फोटोन ने, मैंने तुझे पहले ही सुना समझाई थी बात कि फोटोन क्या है, है ना, फोटोन क्या बोलेगा, फोटोन बोलेगा कि आज से सब कुछ जो मेरा था वो तेरा हो गया। तो यार अब सारे फोटोन ऐसे ही बोलते हैं, है ना, सारे फोटोन ऐसे ही बोलते हैं कि आज से जो सब कुछ जो मेरा था वो तेरा हो गया, है ना। लेकिन हर इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना भागेगा फोटोन के साथ, ठीक है, है ना, ऐसे हम पे मरते तो बहुत है ना, लेकिन हम हर किसी के साथ थोड़ी ना चले जाएंगे, ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूं, ऐसा इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा हूं ना, तुम गलत मत समझो। देखो तो यहां पर अब ये मरते तो बहुत है, मरते तो हर फोटोन है, हर फोटोन आके बोलता है आज से जो सब कुछ मेरा था वो तेरा हो गया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन हर किसी का थोड़ी ना भाग जाएगा, तो यहां पर वो हर किसी के साथ तो नहीं भागेगा, तो ये यहां पर किसके साथ भागेगा, 10.2 वाले के साथ भागेगा। तो यहां पर ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन वाले के साथ भागे, तो अब ये कि अब देखना, जहां से ये फोटोन ने आके पूरी एनर्जी इसको दे दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो गया, यह जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में भी है, मतलब इसका जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा। कैसा कोलिजन होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा, मतलब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना भैया, ये गया टकराया और निकल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में यहां पर जब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन आया तो इसने पूरा इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन को समर्पित हो गया भैया,
है ना, इलेक्ट्रॉन बोला हाँ चलो तुम हमारे लेवल वाले हो, ठीक है। तो यहां पर उसने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी ले ली, तो इस ये यहां पर बाहर नहीं आएगा, अभी फोटोन बाहर नहीं आया। तो अगर फोटोन पहले था, बाद में गायब, विलुप्त हो गया, खत्म, खल्लास, फिनिश, तो कैसी टक्कर होगी? ये वाली फोटोन की जो टक्कर होगी वह अप्रत्याशित टक्कर या इनइलास्टिक कोलिजन हो जाए, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा यहां पर अब अगर मान के चल कोई फोटोन आया, कहां से लाऊं, इधर से लाऊं, फोटोन तो कैसे मिला भाई, है ना, फोटोन ऐसे तो नहीं ऊपर से आएगा, नीचे से भी जा सकता है। ले अब यहां पर एक फोटोन आया, जिस फोटोन की एनर्जी जो है वो 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब तुम्हें क्या लगता है क्या होगा, 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या होगा, 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है? तो सर ये 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, अब ये इलेक्ट्रॉन चाहती तो है इसके साथ भागना, लेकिन अब लेवल मैच नहीं कर पा रहा है ना। अब क्या हो गया, अब जो फोटोन आया है उसका लेवल उससे भी खतरनाक ही है ना, तो अब भी नहीं लेगा, नहीं मनाल बेटा, नहीं भागेगा, है ना। तो अब यहां पर ये जब इसके पास जाएगा, बोले चले, तो बोला अरे भैया हम ज्यादा से ज्यादा साइकिल पे चलते हैं, ज्यादा ज्यादा एक्टिवा पे चलते हैं, तुम तो पूरी कार उठा कर लिया, हम नहीं जा भैया, अब ऐसे इतना इतनी इज्जत नहीं है भैया, इतनी इज्जत भी नहीं, तो सीधे 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 से निकल लेगा 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, तो ये भी निकल गया। तो 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला निकल गया, मतलब क्या हुआ, ये भी निकल गया, मतलब ये भी कैसा कोलिजन करेगा, ये भी इलास्टिक कोलिजन ही करेगा, इसके इसने भी कोई एनर्जी नहीं ली, ठीक है। हाँ, अब तुम्हें समझ में आ गया ना क्या करवाना है, मैच द कॉलम करवाना है ना। तो अब यहां पर मान के चलो, अब खुद सोचो अगला फोटोन कितने एनर्जी का आना चाहिए, अगला फोटोन कितने एनर्जी का आना चाहिए, अगला फोटोन कितनी एनर्जी का आना चाहिए। तो यहां पर है ना, अब यहां पर 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, 10.4 वाला आया, 10.5 आया, 10.6 वाला आया, है ना। फिर अचानक से यहां पर जो 11. है ना, एक फोटोन आया, है ना, बहुत सारे फोटोन आ रहे थे, तो यहां पर एक फोटोन आ गया 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कितने का आ गया, 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अरे 9. यही तो सीखना है, 1.9 वाला नहीं चाहिए, बीच में थोड़ी ना कूदेगा, बीच में थोड़ी ना कूदेगा कि इससे थोड़ा सा ले लिया, इससे थोड़ा, इलेक्ट्रॉन पूरा बेवफा है ना। तुम अपने जैसा क्यों समझ रहे हो यार सबको, है ना, उसकी खुदगर्जी है वो, ऐसा थोड़ा आधा भाग लिया, आधा इसके साथ भाग लिया, आधा उसके साथ भाग गया, भागेंगे तो पूरा एक ही के साथ भागेंगे, वरना नहीं भागेंगे बस, ठीक है। तो फिर यहां पर 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन आया, तो फिर उसने सोचा, इलेक्ट्रॉन ने, इलेक्ट्रॉन को बोला चलेगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन बोली कि, है ना, मतलब फोटोन बोला चले क्या, तो फिर इलेक्ट्रॉन बोली रुक जा सोचती हूँ मैं। तो उसने बोला आय है, आज तो भैया सीधे मर्सिडीज से ऑफर आया है, तो क्या किया जाए। इलेक्ट्रॉन बोला अब तो चलना पड़ेगा, है ना, ऑल्टो होती तो भी हम सोचते, मारुति 800 होती तो भी सोचते, बोले आज तो सीधे भैया मर्सिडीज से ऑफर आया है, तो ना चलो भैया चले आज तो, है ना। तो फिर यहां से ये 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो खा जाएगा, 11.2 एनर्जी खा जाएगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, है ना, ICI ये लिख लेना यार, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फोटोन जो है क्वांटाइज्ड है यार, ठीक है। हाँ, अब तो जाना ही पड़ेगा, क्लियर है कहानी, है ना। अब इससे अब क्या क्या ज्यादा एनर्जीज आएंगी वो तुम समझ सकते हो, है ना। जैसे अगर मान के चल किसी दिन एक आया फोटोन, है ना, एक फोटोन आया, है ना, एक फोटोन आया, ब्लू कलर का फोटोन आया, है ना, वो फोटोन आया यहां से, ये फोटोन आया बहुत बड़ा फोटोन, ठीक है, ये फोटोन घुसा अंदर, ठीक है,
और यहां पर ये फोटोन जो है अपने संग लेकर आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब बता क्या होगा, एक दिन वो आया ब्लू वाला आया खतरनाक 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके, तो इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगी, अरे बोलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगी, जिसका मुझे था इंतजार है ना, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई है ना। 13.6 मतलब कि ये तो सीधे पार, ये एनर्जी लेते ही इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के निकल लेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा इस कंडीशन में, सर यहां पर भी इस कंडीशन में, इस कंडीशन में यहां पर भी क्या होएगा, ये पूरा 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 एनर्जी ले लेगा और कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन करवा देगा। क्लियर है कहानी? अच्छा, अब ये फोटोन से कोलिजन था, अब इलेक्ट्रॉन से क्या होगा ना, अब ध्यान समझना यार, इलेक्ट्रॉन की कहानी अलग ही है, इलेक्ट्रॉन की कहानी अलग है। क्यों इलेक्ट्रॉन की कहानी है ना, इलेक्ट्रॉन की कहानी क्यों अलग है, क्योंकि यहां पर ये अब इलेक्ट्रॉन आया, देख इलेक्ट्रॉन भी ये सारी एनर्जीज लेकर आएगा है ना, ये जो एनर्जीज यहां पे लिखी हुई है ये सारी एनर्जीज लेकर इलेक्ट्रॉन भी आएगा। लेकिन अब क्या होगा, लेकिन अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेकर आएगा तो इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है, ठीक है। तो अब यहां पर बस इतना डिफरेंस है कि फोटोन में कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन में पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, है ना, क्या पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन आया, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, तो अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आया फिर से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके, कितनी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके, क्यों, क्योंकि ये अच्छा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर आया, पहले सोचो 10.2 से क्या होगा, तो यहां पर, यहां पर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर आया था, तो 10.2 बात नहीं बनेगी, ये तुरंत ऐसा का ऐसा निकल जाएगा 10.2 वाला, तो 10.2 सॉरी यार दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10.2 वाला भी आएगा, दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आया, दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला तुरंत निकल गया, तो इसकी कोई इज्जत तो है नहीं वैसे भी, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इलास्टिक कोलिजन, बोले हाँ भैया तू इलास्टिक है, बहुत बढ़िया है ना, तू आया तू तुरंत निकल गया, इलास्टिक कोलिजन करवा गया, यहां पर कुछ नहीं हुआ तुमसे, कुछ नहीं बना, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही यहां पर एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जब तक 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन नहीं आ जाता, इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, ये फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आया 10.2 इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, है ना, मैं बस डिफरेंस समझाना चाहता हूं तुम्हें यहां पर। तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, वो घड़ी आ गई, चलो अब हम चले। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, देखो ये एक्चुअल में मैं थोड़ा सा यहां पे तुम्हें कहानी समझाई देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन जो वो यहां पर आके टकराएगा, ये इसको एनर्जी देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, है ना, उससे पूरी एनर्जी ले लेगा, ठीक है। लेकिन अब चक्कर क्या है ये समझना है हमें, कि अगर मान के चलो देख मिनिमम 10.2 तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 10.2 तो चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर तो हम नहीं हिलने वाले, ठीक है। लेकिन अगर मान के चल कि यहां से इलेक्ट्रॉन आया, यहां से इलेक्ट्रॉन आया जो आया 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके, बस अब यही मोक्ष प्राप्ति वाला स्टेटमेंट है कि यहां से अगर ये 11.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर आया, तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन जो है वह ले सकता है क्या, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, अरे यार ये तो समझ में आया ना, 10.2 वाला क्या करेगा, ये तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन करेगा, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, क्यों, क्योंकि पूरी एनर्जी उसने उसको समर्पित कर दी, एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी पूरी एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को समर्पित कर दी, अब बताओ 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मर्सिडीज चाहिए, अरे मर्सिडीज की स्पेलिंग गलत है बेटा, बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखो अब 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या चक्कर है, 11 की जगह अगर ये
11.2 होता तो मजा आ जाता है ना। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पर, लेकिन अब क्या होगा यहाँ पर, अगर ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेकर आया, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेकर आया, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये इससे 10.2 चुरा लेगा। देखना ध्यान से, यहां से ये इलेक्ट्रॉन के पास गया, ये इलेक्ट्रॉन ने से 10.2 चुराई और फिर ये आगे बाहर निकल जाएगा, ये निकलेगा 11 माइनस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके। ठीक है, बस यही कहानी थी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्या भाई बंधु है एक दूसरे के। ठीक है, बोले कि भैया ये अपना ही तो भाई है ना, कहां जाएगा है ना, तो बोले भैया अब भाई भाई है ना ये, अब ये फोटोन इस दुनिया का, ये दूसरी दुनिया का है यार वो, है ना, उनने देखा नहीं कभी ऐसा जो आ रहा है ना, तो उसको देख के मचल उठते हैं कि भैया चलो चले 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 चले, बराबरी वाला आ गया है ना, या नया कोई मिला। अभी इलेक्ट्रॉन तो क्या लगता है, अबे चल ठीक है तू यहाँ मेरी ऊर्जा ले ले, अब तू बैठ जा मैं जा रहा हूँ, है ना, घर वाली बात है। ठीक है, दुकान चल रही है ना, अच्छा भैया चलो भैया थोड़ी देर छोटे भैया को बिठा दो, दुकान संभाल लेना, हम खाना खा के आते हैं, ये पैसा कार्यक्रम चल रहा है। ये आया, ये इसने इलेक्ट्रॉन दो एनर्जी दी और ये 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके चले गए, बोला चल थोड़ी सी तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो ये कैसा कोलिजन हुआ, देख अब ध्यान से सुनना, ये क्या हुआ कि यहां पर टोटल एनर्जी भी नहीं गई, टोटल एनर्जी भी नहीं गई, कुछ अंश गया है, कुछ अंश गया, कुछ पार्ट एनर्जी का गया है, तो ये इलास्टिक कोलिजन होगा, सॉरी इन इलास्टिक कोलिजन होगा, ये इन इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, हाँ आई बात समझ में, ये अप्रत्याश होगा, ये एकलौता ऐसा केस होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के साथ ही अप्रत्याश टक्कर कर सकता है, अगर 11.2 का आ जाएगा तो पूरी पूरी एनर्जी दे देगा। तो देख मेरे को बस इतनी बात बॉटम लाइन जो समझनी है इस पूरे कहानी में, क्या कि अगर जो ऊर्जा है अगर वो एनर्जी लेवल के हिसाब से आई, मतलब इतनी 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 एनर्जी लेवल के हिसाब से आई है ना, तो ही बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। फोटोन का कोई वैसे भी इज्जत नहीं थी, अगर बराबरी वाला आता है तो बोलते हाँ चल ठीक है मैं चल दूंगा। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, 10.2 से कम आया कुछ नहीं होगा, 10.2 से ज्यादा आएगा तो 10.2 अगर वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर बराबर एनर्जी लेकर आया तो अप्रत्याश पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर होगी, वरना अप्रत्याश टक्कर होती जाएगी। क्यों? क्योंकि 11 से आया था, 11 से कम थोड़ी सी एनर्जी देकर चले गया। क्लियर है कहानी, आया समझ में? तो ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। चलो, तो ये है ना एक ही पन्ने का था, इसलिए उसको समझाने में बहुत समय लगता है यार ना, बहुत मेहनत लगती है उसको समझाने में। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, शुरू हो जाओ है ना, शुरू हो जाओ। ये मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है ना बेटा। 10 फोटोन, देख फोटोन क्या है ना, फोटोन के बारे में एक बात बता देता हूं ना, देखो चक्कर नहीं समझ पाए तो क्या बोल रहे हो, फोटोन से 10.3 क्यों नहीं ले सकता सोनिया बिटिया। देखो जागो है ना, क्या फोटोन से देख फोटोन ऐसा है, ऐसा समझो फोटोन जो है वो एक पानी का गुब्बारा है, पानी का गुब्बारा है। ठीक है, अब तुम पानी के गुब्बारे को या तो फेंकोगे तो या तो पूरा फूटेगा या तो नहीं फूटेगा, सीधी बात। आया समझ में है ना, कि अगर उसने तुमने किसी के ऊपर पानी का गुब्बारा फेंका तो या तो फूटेगा तो पूरा खत्म, या नहीं फूटा तो नहीं फूटा, वैसी कहानी है फोटोन की। तो फोटोन देगा तो पूरी एनर्जी देगा या तो नहीं देगा। ठीक है ना, अब तुम इलेक्ट्रॉन के बात करो, फोटोन का भी तो वजूद है ना यार, फोटोन भी हल्का फुल्का थोड़ी ना भैया, आइंस्टीन खुद आए उसको डिस्कवर करने के लिए, फोटोन के बारे में बताने को आइंस्टीन बाबा खुद आए थे। ठीक है, दुनिया में कोई कुछ नहीं समझा पाया जो फोटोन की कहानी थी, फोटोन के बारे में किसी को पल्ले पल्ले नहीं पड़ रही थी, तब जाके घुंघराले वाल वाले बाबा ने आकर सब कुछ समझाया। ठीक है, तो उसका भी ये चक्कर है, वो देगा तो पूरा देगा वरना कुछ नहीं देगा। आई बात समझ में बेटा? चलो, आवाज नहीं आ रही, बहुत बढ़िया। देखो अब ये क्वेश्चन कर लेते कुछ, सोनिया बेटा समझ में आ गया? अरे यार तो सब कुछ ही तुमको सुनना है क्या, आवाज नहीं आ रही है, टेस्ट में क्या आएगा?
टेस्ट में क्या आएगा ये पूछना चाहते हो, टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। टेस्ट में बेटा, टेस्ट में यहां पर है ना जो एटम वाली कहानी पड़ी, इसमें स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा आएगा। और उसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा स्टार्ट उसके भी थोड़े बहुत क्वेश्चन डाले हुए इसके पहले वाले चैप्टर के, तरंग प्रकाश के, ठीक है, वो जो पोलराइजेशन वगैरह के छोटे मोटे क्वेश्चन है आखिरी आखिरी, बाकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन है, ठीक है, 10 ही क्वेश्चन आएंगे वैसे तो इस बार। चलो तो क्वेश्चन कर लेते एक बार है ना, हीलियम के द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए आयन आयन विभव वगैरह बताना है आपको। अच्छा, तुमने जो है ना जो नहीं पढ़ा है वो नहीं आएगा बेटा, वैसे मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है ना, इसके जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम वैसे ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा है, देख देख के करना होगा है ना, देख देख, अच्छा इसका जवाब ये आता है, इसका जवाब ये आता है, ठीक है। तो ये एक बार, इसमें काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, तो हम इसे वैसे भी यार नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे है ना, क्योंकि अगली क्लास का भी समय हो रहा है। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन से कुछ नीट वीट के भी सवाल है, प्रीवियस ईयर भी है ना, तो नीट में हर दूसरे साल में इस पर सवाल आता ही आता है, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियाई भी पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन जो है अभी थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं, क्वेश्चन अब हम अगली क्लास में ही करेंगे, क्लियर है कहानी है ना। और इसके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, केमिस्ट्री में जैसे करा था वैसे ही हूबहू टू कॉपी क्वेश्चन है ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा फिजिक्स का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्लियर है। होमवर्क में भी काफी सारे सवाल डाले, नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली आधी से ऊपर क्लास जो होगी है ना वह हम क्वेश्चन ही करेंगे, क्लियर है। और कोई समस्या किसी को, एक बार तो बता देना, सोएंगे कब, कौन सोएगा, काय को सोना है, क्या करोगे सोकर, पढ़ाई बड़ी करो जरा। चलो खाना वाना खा लिया, बस बहुत है, थोड़ी देर बाद खा लेंगे है ना। हाँ चलो, अभी तो मैं टाटा बोल देता हूं, 9 बजे क्लास है तो 5-10 मिनट में कुछ खा लूंगा, ठीक है। चलो बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। ये क्या कहना चाह रहा है मनीषा बिटिया, क्या कहना चाह रही है फोटो बेटा, मनीषा बेटा अगर तुम क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रही हो तो बस मैं इतना छोटे से मैं बताना चाहता हूँ, लैम्डा दिया हुआ है ना, सबके लिए बोला है कि उनकी ऊर्जा समान है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का अनुपात, बेटा ऊर्जा समान है तो लैम्डा जो होता है, लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन में अंडर रूट 2m के, तो सबका द्रव्यमान पता है ना, प्रोटॉन हो न्यूट्रॉन हो इन सबके द्रव्यमान के बारे में चर्चा करी भी हमने, तो ये काइनेटिक एनर्जी सबकी समान है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका द्रव्यमान कम उसका लैम्डा ज्यादा, ठीक है। चलिए बेटा, तो जितना बड़ा रिवाइज कर लेना, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक लिए बड़े ऐसे पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, थैंक यू।